इसका नाम है गौरी। थोड़ी सी पागल है लेकिन बहुत ही इंटेलिजेंट है। बीबीएम की पढ़ाई की है और अब एमबीए कर रही है। फिलहाल लव टीवी में एंकर बनकर 3 साल से काम कर रही है। बहुत ही फेमस है, हर कोई इसका फैन है, लेकिन गौरी को इंसान देखते ही एलर्जी हो जाती है। उसका कारण है उसके माता और पिता। गौरी के बड़े होते ही उन्होंने भाग कर शादी की। कंफ्यूज मत होइए, अलग अलग शादी की। उस दिन से गौरी का दूसरे इंसान के साथ जमता ही नहीं है। थोड़ा टूथपेस्ट चाहिए था। कितनी खड़ूस है ना ये। ये है जूजू, इसकी दुनिया बस यही है। ये जूजू को इतना चाहती है कि गौरी के लिए माँ बाप भाई बहन दोस्त सब ये जूजू ही है। इन दोनों में बहुत ही ज्यादा अटैचमेंट है। गौरी अपने जूजू के साथ कलरफुल वर्ल्ड में बहुत ही कूल तरीके से जी रही है, लेकिन हर इंसान में कोई ना कोई प्रॉब्लम तो होती ही है। गौरी का वन एंड ओनली वन प्रॉब्लम है। इस एरिया में नया हो क्या? हेलो, गुड इवनिंग और नमस्ते। मैं आपकी प्यारी गौरी, लव टीवी में आपके फेवरेट प्रोग्राम सुनो प्रेमियों में आपका स्वागत करती हूँ। आज का हमारा सवाल ये है कि लड़के हमारे पीछे पड़कर आई लव यू कहें तो उस वक्त लड़कियों को आखिर कौन सा फैसला लेना चाहिए और कैसे रिएक्ट करना चाहिए? चलिए, हमारा पहला कॉलर रेडी है, उनसे बात करते हैं। हेलो, कहाँ से बात कर रहे हैं और आपका नाम क्या है? हेलो हेलो बेबी, लव यू। आज का सवाल पता है आपको? रिपीट प्लीज। कोई लड़का अगर हमारे पीछे पड़कर आई लव यू कहे तो क्या बोले? तो आई लव यू। थैंक यू शोना, इतने दिनों बाद तुम्हें मुझसे प्यार हुआ है ना, इतना ही काफी है। लगता है आपका कान ठीक से काम नहीं कर रहा। मैं बात कर रही हूँ लड़कों के बारे में। अगर कोई लड़का आई लव यू कहे तो लड़की को कैसे रिएक्ट करना चाहिए? सिंपल है, तुरंत मांग कर किस कर देना चाहिए। सर, कट करने के लिए बोल रही है। उसी की वजह से तो प्रोग्राम चल रहा है, डिमांडिंग है, चल रही है। ये तो आपका फैसला है ना। ये सिर्फ मेरे अकेले का फैसला नहीं है, जवान हुए हर लड़के का यही फैसला होता है। अच्छा, ये बताइए आपके लिए कौन सा गाना प्ले करूं? आहा, कैमरे के सामने कितनी ब्यूटीफुल लगती हो मेरी जान। As usual, गौरी अम्मा, तुम्हारा पति कौन है, ये गाना बजाओ। हाँ बिल्कुल बजाऊंगी, सुनिए और एंजॉय कीजिए। हेलो हेलो बेबी, लव यू। फेशियल से पेडिक्योर तक सब कुछ करवाओ। तुम खूबसूरत दिखोगी तो मुझे अच्छा लगेगा ना। मुझसे परेशान होकर अगर गौरी को थोड़ा सा भी सुकून किसी से मिलता है तो उसकी वजह है जूजू। क्योंकि मैं डायनासोर को देखकर भी नहीं डरता, लेकिन जूजू को देखकर मेरी निकल जाती है सूसू। जानते हो मुझे बचपन में तुम्हें कुत्तों से बच के रहना होगा, एक पंडित ने ऐसा कहा था, इसलिए तब से मैं कुत्तों को देखकर भयानक डर जाता हूँ। जब भी गौरी के पीछे मैं होता हूँ तो मेरे पीछे होता है जूजू। अब मुझे छोड़कर इस कहानी में आने वाले मेन कैरेक्टर्स को देख लीजिए, हमारी जिंदगी में क्या होने वाला है देखते रहिए, पता चल जाएगा। नमस्ते, मैं हूँ आपकी प्यारी गौरी, लव टीवी पर सुनो प्रेमियो प्रोग्राम में वैलेंटाइन्स डे स्पेशल में आपका स्वागत करती हूँ। तो हमारा आज का सवाल है, प्यार में एक भ्रष्ट प्रेमी क्या बातें करता है और प्यार में बेस्ट प्रेमी क्या बातें करता है? आपका जवाब एक ही लाइन में होना चाहिए, मगर आप सबके जवाब अलग अलग होने चाहिए। आज के इस स्पेशल एपिसोड को जज करने आए हैं स्पेशल गेस्ट, सो प्लीज वेलकम आवर स्पेशल जजेस। हेलो हेलो, बलून्स इतने ही हैं क्या? पीछे से एम्प्टी दिख रहा है। सर, हाँ बोलिए। प्यार के लिए अपनी जान देना एक सच्चे प्रेमी की निशानी है, जान के लिए प्यार का बलिदान भ्रष्ट प्रेमी की निशानी है। वेरी गुड, नेक्स्ट। पास रहना हर एक प्रेमी को पसंद आता है, लेकिन दूर रहने में हर प्रेमी को कष्ट होता है। ये तो ठीक है, लेकिन ये कोई ऐसा आंसर नहीं है जिसे ना मिले। आप में से कोई तो एक होगा जो बेस्ट आंसर देके वैलेंटाइन का प्राइज जीत सके। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू।
I love you, but ये एक भ्रष्ट प्रेमी की बात है. But I love you, ये एक बेस्ट प्रेमी की बात है. नहीं समझे क्या? मैं तुमसे प्यार करता हूं, मगर जाति, धर्म, भेद, अंतर, ये सब भ्रष्ट प्रेमी की बात है. जाति, धर्म, नीति, जायदाद, बट मैं तुमसे प्यार करता हूं, ये एक बेस्ट प्रेमी की बात है. थैंक यू. Love you, baby. Hey, young man. Congrats. Thank you, sir. सिर्फ congrats बोलने से नहीं चलेगा. मेरी एक इच्छा है, sir. ये गौरी, मेरी favorite. मैं इसका बहुत बड़ा fan. रोज follow करता हूँ ना. Sir, इनके हाथ से prize लेना मेरा dream है, sir. अभी जो prize जीता है वो इनके हाथों से दिलवा दीजिए ना. Happy Valentine's Day. Thank you, sir. हाँ. Thank you. मेरा जवाब बहुत अच्छा था. छोड़ो, डायलॉग बोलकर मैंने अपना टैलेंट प्रूव किया है, इतनी आसानी से कैसे छोड़ दूं? लव यू. कांग्रेचुलेशंस. अब कैमरे के बाहर भी तुम बहुत ही अच्छी दिखती हो मेरी जान. तुम्हारी लिप्स भी बहुत अच्छे हैं जानू. थैंक यू. हाथ छोड़ो, मैं मार खाओगी मेरे. अरे क्यों इतना परेशान हो रही हो? तुम्हारे हाथ पकड़ने से मुझे कितना मजा आ रहा है जानती हो? तो ये है लकी की जिंदगी. लकी की जिंदगी में सिर्फ दो ही गोल है, पहला मालूम नहीं लेकिन दूसरी गौरी. यू वॉन्ट टू सी? वॉच इट. This is for you, thank for you, you and thank you. Thank wow, you. Cool dress, dude. Oh yeah, thank you. Hey, you have a great taste, huh? I'm lucky. You? Amy. You? Megha. You? Remy. Oh, good. सब okay है, लेकिन detergent soap के ad के लिए इतना सारा getup क्यों? मैंने एटलीस्ट तुम्हें इतने कपड़े तो पहनाए हैं, लेकिन वो डब्बा डायरेक्टर बिकनी पहनाकर कपड़े धुलवाना चाहता था. So silly ना? I know. मैंने आपको पहले कहीं देखा है? देखने का चांस ही नहीं है. I was in Hollywood. Hollywood? Yeah, Hollywood. Hmm? अंग्रेजों के साथ काम कर करके मैं परेशान हो गया हूँ, इसलिए मेरा टैलेंट मेरे ही देश में प्रूव करने के लिए मैं आ गया हूँ बॉलीवुड. हर कोई यहाँ से वहाँ जाना चाहता है, तो फिर आप वहाँ से यहाँ क्यों आ गए? मैं ऐसा ही हूँ, थोड़ा सा डिफरेंट हूँ. आप अपना डायलॉग पढ़ो. कैन आई हैव योर नंबर? सेल फोन? मी? आर यू किडिंग? भीख मांगने वाले के पास भी मोबाइल रहता है, तो मैंने तो यूज करना ही छोड़ दिया. जब मैं यूज करता था तब 32 rupees आउट गोइंग, 16 rupees इनकमिंग. ए आई एम गेटिंग अ सैट फोन. सैटेलाइट फोन. हेलो. बिल भरेगा या फोन कट करता हूं? सर, इस बार पक्का भर दूंगा सर, काटना मत प्लीज. प्लीज हमेशा यही बोलते रहते हो तुम. सर सर प्लीज सर, ऐसा मत कीजिए, कट मत कीजिए प्लीज सर. पहले बिल भरो, उसके बाद फोन का इस्तेमाल करो. इंटरेस्टिंग. वैसे तुम्हारे डैड क्या करते हैं? माय डैड ओन्स अ ग्रेनाइट फैक्ट्री. व्हाट अबाउट योर मॉम? माँ तो बहुत बिजी है, मना करने के बाद भी समाज सेवा करती रहती है. आपके पास इतना है तो आप खुद ही ऐड क्यों नहीं डायरेक्ट करते? आर यू किडिंग? इस फालतू से ऐड को मैं डायरेक्ट करूं? ये डब्बा ऐड बनाने के लिए डब्बा डायरेक्टर है ना. हेलो, डायरेक्टर आ गए. या स्वीडी, उस डायरेक्टर को ही तो मैं डब्बा कह रहा हूँ. उसे कोई डायरेक्टर बोलेगा तो वो डायरेक्टर पद का ही अपमान होगा. वो तो एक फालतू डब्बा है, वेस्ट बॉडी है. ओहो डायरेक्टर. अब सब रेडी है सर, आपके बारे में ही बात कर रहा था. हाँ सुना मैंने, मेरे ही बारे में बात कर रहा था तू. सर वो गेट लास्ट. आनंद, आनंद, यहाँ आनंद कौन है? ए, वो तुझे ही बुला रहे हैं. ये है मिस्टर आनंद. बेचारा अपना नाम ही भूल गया. लोग किसी और नाम से इसे बुलाते हैं. अब वो क्या नाम है अभी पता चल जाएगा. ये लीजिए सर. नमस्ते सर. नमस्ते. SSLC में 625 में 420. PUC में भी 600 में 420.
सर मैंने रिवॉल्यूशन लिखा फिर मुझे 5 मार्क्स ज्यादा मिले थे। अगर ऐसा है तो 425 होना चाहिए था ना। बाद में इंग्लिश में 5 मार्क्स कम हो गए, वापस से 420 हो गया सर। इट्स नॉट माई मिस्टेक सर। सर 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 डिग्री के मार्क्स देखिए ना सर। उसे देखने की जरूरत नहीं है मुझे, उसमें भी 420 ही होगा। क्या सर बिना मार्क्स कार्ड देखिए आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं? आपका चेहरा ही देख कर पता चलता है। प्लीज लीव सर। नौकरी मिलेगी ना? नौकरी वोकरी कुछ नहीं, चलो। सर मेरे मार्क्स अच्छे नहीं है क्या? मार्क्स तो अच्छे हैं हाँ? लेकिन आपके जो नंबर्स हैं वो अच्छे नहीं है। 420 सर, 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 मेरी बात सुनिए। टाइम क्या हुआ? 420 आपने बुलाया you सर? गेट आउट। Hey, over. बहुत over कर रहा है तू। Relax, dude. Chill. Hey, 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 पागल कहीं के? मेरे सामने स्टाइल मत मार। एक तो नौकरी नहीं मिली इसलिए मैं टेंशन में, ऊपर से ये होशियारी दिखा रहा है। अबे 420, तुझे इस जन्म में तो नौकरी नहीं मिलने वाली। ले अब तू रोज बस एक ही काम कर, इस प्लेट की सफाई करता जा। जैसे लोग तुझको ना बुला बुला के सामने से नौकरी दे रहे हो। हेलो, तू भी रिजेक्ट हो गया है इसलिए तुझको मिली है सिर्फ ये बकवास प्लेट। ए, इस प्लेट को तू बकवास कह रहा है? 200 साल पुराना एंटिक पीस है ये। वैलेंटाइंस डे में ये प्राइज रखा था तो मैं जीत कर आया था पता है। और इसका फीचर ये है कि ये मुझे मेरी गौरी ने अपने हाथों से दिया। विंबलडन प्लेट से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ए लकी यार, हमें आखिर नौकरी कब मिलेगी? नौकरी? हाँ, हमें नौकरी की क्या जरूरत है? हाँ? हमारे लिए नौकरी करने वाला एक है ना। हाँ? कहाँ है वो, अभी तक आया नहीं? हाँ? रीटा प्लीज मना मत करना, ये गिफ्ट ले लो। देखो अंश, मैं अभी बता देती हूँ, अगर तुम मुझे ये गिफ्ट देना चाहते हो तो तुम्हें मेरे साथ US आना होगा। यहाँ सब कुछ छोड़ के कैसे आऊँ? क्या है यहाँ, उन छपरियों को छोड़कर नहीं आ सकते क्या? वो लोग मेरे फ्रेंड्स हैं यार। वो लोग मुझसे बढ़कर हैं क्या? देखो अंश, या तो मैं या वो लोग, डिसाइड कर लो। अरे यार यही कहीं रखा था। यार मेरा अंडरवियर नहीं मिल रहा है। क्या हनुमान आज लेट हो गया? ये क्या, रूम को इतना गंदा कर दिया, थोड़ा साफ नहीं रख सकते? अबे 420, ये बड़ा साहब नीटनेस के बारे में बात कर रहा है। अरे हनुमान, तेरी नीटनेस के बारे में हमें सब कुछ पता है। पुराना स्कूल। राम भक्त हनुमान। राम भक्त हनुमान। जिस दिन तेरी नाक बहनी बंद होगी उसी दिन तुझे क्लास में बैठाऊंगा। तू तेरी तो स्कूल के वक्त तेरा नाक पूरा का पूरा भरा रहता था और हमें नीटनेस सिखा रहा है। तुम लोगों के मुंह नीटनेस सिखाएगा। अबे नाक से नदी बहाने वाले इधर आ। अरे अभी तक सोए हो? अरे उठो जरा दुनिया देखो। ए हनुमान, जाकर अपना काम देखना। मैं जो दुनिया देख रहा हूँ ना वो तूने नहीं देखी है। ए लकी, तुझसे कुछ बोलना बेकार है। देख जहाँ जहाँ इंटरव्यूज है सारी डिटेल्स इस पेपर में है, इंटरव्यूज में जाओ, मिस मत करना यार। यार लकी, और टाइम पे खाना खा लेना। हाँ, ये पैसे कहाँ रखूँ? पेपर वहाँ पे रख, पैसा यहाँ पे रख। घूर क्या रहा है बे, मेरे पैर के पास पैसे रख, आशीर्वाद ले और चला जा। जल्दी कर, जल्दी कर, जल्दी कर। जब देखो बकवास करता रहता है। अरे क्या डिस्टर्ब कर रहा है यार तू मुझे। और सुन, जाते समय ना भगवान के सामने हाथ जोड़ के जाना, अच्छा होगा। अबे चुपचाप जाना यार, अगर भगवान के सामने हाथ जोड़ने के बाद सब कुछ ठीक होता तो सारे पंडित अंबानी के रेंज में रहते। भगवान बोल रहा है भगवान। अबे क्या कर लेगा तेरा भगवान, पत्थर के सामने हाथ जोड़ते हैं सब लोग। ऑटो। नीचे उतार। Why? हम जैसे स्मार्ट लोग बस में चढ़ नहीं सकते क्या? ये लेडीज बस है, जेंट्स नॉट अलाउड। हाँ सही बात है, ऐसे कैसे चढ़ सकता है, पागल ही लगता है। ओ, बस एक मिनट ये बुके देकर उतर जाऊंगा। समझ में नहीं आता, तुझे कॉमन सेंस नाम की चीज नहीं है क्या?
प्लीज मैडम, अरे प्लीज वेस, कुछ नहीं, नीचे उतर। एक बार बोला ना जेंट्स नॉट अलाउड, पता नहीं कहाँ से आ जाते। मैं मर्द हूँ, ये किसने कहा? मजाक कर रहा है ना तू? अरे तुझे देखकर ही पता चल रहा है। क्या देखने से पता चल रहा है? देख, मजाक मत कर, देखने से पता चल जाता है। वही तो, क्या देखने से पता चलता है? स्टॉप! हाँ? चुप, थोड़ा पीछे करके। See you, baby. कैसे बात कर रहा था ना, देखने से पता चल जाता है। वही तो, क्या देखने से पता चलता है, बताया नहीं? ओके बंटी, आपके लिए एक सॉन्ग प्ले कर रही हूँ, सुनिए और एंजॉय कीजिए। हाँ, मैंने उसको स्क्रिप्ट भेज दी है, जैसे ही कास्टिंग फाइनल हो जाएगी वो मुझे बता देगा। हेलो हेलो गौरी, जूजू बहुत ही डल दिख रहा है, उसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही, वो कुछ खा पी भी नहीं रहा है। ठीक है, मैं आ रही हूँ। नो दैट आई विल चेक, डोंट वरी। हे, क्या हुआ, कहाँ जा रही हो? एनी प्रॉब्लम? आई एम सॉरी, मेरे जूजू की तबीयत ठीक नहीं है, मुझे जाना होगा। ओह ठीक है, प्रोग्राम खत्म करके चली जाओ। वो आई एम सॉरी, पर मुझे अभी जाना होगा। हे, लाइव कवरेज चल रही है, ऐसे बीच में थोड़ी छोड़ के जा सकती हो। आधा घंटे की तो बात है, करोड़ों लोग देख रहे हैं इसे। मुझसे नहीं होगा, मुझे अभी जाना है। hey, आधा घंटा लेट होने से तुम्हारा कुत्ता मर नहीं जाएगा, और अगर वो मर भी गया तो मैं तुम्हें दूसरा ला दूंगा ना, प्रोग्राम नहीं रुकेगा। चलो, अगर तुम्हारा बेटा मर जाएगा तो वो भी दूसरा ले आओगे? What rubbish are you talking? अपने कुत्ते का कंपैरिजन मेरे बेटे से कर रही हो? तुम्हारे लिए जितना तुम्हारा बेटा इंपॉर्टेंट है, उससे भी ज्यादा मेरा जूजू है। तुम्हारी ये नौकरी, ये चैनल, नथिंग इज इन फ्रंट ऑफ माय जूजू। यार लकी, तेरी लव स्टोरी भी बड़ी अजीब सी है। आजकल तो काले पीले लोग भी लड़कियां पटा लेते हैं, और तू देखने में इतना अच्छा है, फिर तेरे से वो लड़की क्यों नहीं पट रही है बे? क्या कर सकते हैं लकी? लकी एक सुपर आइडिया है। क्या है? सुन, सीन नंबर वन, इस एरिया के अंदर मैं कुछ लोगों को सेट करता हूँ। सीन नंबर टू, जब गौरी तेरे साथ आएगी तो वो लोग उसको छेड़ेंगे। सीन नंबर थ्री, तेरी हीरो की तरह एंट्री होगी और तू फाइट करेगा। सीन नंबर फोर, हमेशा की तरह हीरो हीरोइन को पटा कर ले जाएगा। कैसा लगा आइडिया? पुरानी फिल्मों का बेकार आइडिया दे रहा है। आज के जमाने में सिनेमा नहीं चल रहे हैं तो सिनेमा का आइडिया चलेगा क्या? अबे वो गौरी है, कोई फालतू लड़की नहीं है, बहुत ही डेंजरस है, ऐसे बकवास आइडिया से नहीं पड़ेगी। देख, तू फालतू की बकवास मत कर, सिनेमा में ये आइडिया कामयाब होता है। मेरी बात मान, इस आइडिया को इस्तेमाल करके कभी ना पटने वाली हीरोइन भी हीरो से पट जाती है, और फिर रोमांटिक गाना होता है। जैसा बोलता हूँ तू वैसा कर। हेलो बेबी, लव यू, मैंने मैंने हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। आज मेरा बर्थडे है, किसने कहा तुमसे? मैंने गेस किया, क्योंकि मुझे ड्रेसिंग सेंस और गेसिंग सेंस कुछ ज्यादा ही है। नॉनसेंस, आज मेरा बर्थडे नहीं है। सो व्हाट, मैं रोज तुम्हें विश करता रहूंगा, कभी ना कभी तो तुम्हारा बर्थडे आएगा ही ना। ब्रो, बर्थडे आज मेरा है, उसका नहीं है, नंदू का है। 420 ने सुपर्ब सेट अरेंज किया है, ज्यादा ही बिल्ट अप करना पड़ेगा। आए हुए तूफान को करके रोक दूंगा। अगर आग की बारिश हो तो उसका सामना करते हुए अम्ब्रेला पकड़कर माइल्ड मेंटेन करता हूँ, टेंशन नहीं लेता हूँ। लेकिन गौरी को अगर तूने छेड़ा तो तेरी हे 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 वाइल्ड बन जाऊंगा। हेलो या? दरअसल वो सब लोग मुझे नहीं चिढ़ा रहे, तुम्हें चिढ़ा रहे। सो व्हाट, मुझे चिढ़ाने दो या तुम्हें चिढ़ाने दो, दोनों तो एक ही बात है ना। देखते रहना, अभी मैं एक एक को कैसे फटकाता हूँ। हेलो हैंडसम या बेबे, तुम्हें नहीं, यू। मी? यस यू हैंडसम। इसकी हरकतों को रोकने वाला कोई भी नहीं आया, कुछ ज्यादा ही उड़ रहा है ये। पर आप लोग भले इंसान लगते हो, सिर्फ इसका क्या करना है देख लीजिए। आज के ही दिन का इंतजार कर रही थी मैं कब से, तो बुरी तरह मार खाए और मेरी आंखों को वो देखकर सुकून मिल जाए। देखोगी जानू, देखोगी, तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी होगी, लेकिन वो लोग मुझे नहीं, उन लोगों को मार खाते हुए देखोगी। चलो आ जाओ, कौन किसको मारेगा इस बात का यही फैसला कर लेते हैं। Gonna get it, clap your hands for luck, yeah. Bum, bada, bada, bum, bada, bada, like, yeah. Gonna get it.
इतना मोटा है, तेरी माँ तुझे क्या खिलाती है? ए, फाइट मत करना। अरे बाप रे, खून, खून आने के बाद ही तो हीरो मारता है ना, ये तो मैंने सिनेमा में देखा है। आए, आए, आए। ओए, मार खाने के लिए पैसे लिए ना, तो अभी मार खाने का। मैं मार खाऊंगा तेरी तो। अरे बाप, कहाँ मिस हो रहा है यार। ओ, ये बात है। अरे छोड़ 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 मुझे छोड़। अरे मेरा पैंट। आजा आजा, मारेगा मारेगा, आजा आजा, मार मुझे मार। ए, होल्ड ऑन होल्ड ऑन होल्ड ऑन होल्ड ऑन। नहीं 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 नहीं, अरे छोड़ो। ओ माँ, अरे बाप रे, क्या करूँ? नहीं, ओ माँ। कितना ड्रामा करता है ये? हाय। कैसी लगी जानू मेरी फाइट? इतने दिनों तक तो भगवान ने तुम्हें मेरा डेंजर सॉन्ग देखने का मौका दिया ना, अब फाइट देखने का भी मौका दे दिया। यू नो व्हाट, सच कहो तो लकी मैं नहीं, लकी तुम हो। या नहीं तो और क्या। अब जल्दी से बता दो तुम्हारा बर्थडे कब है, वरना मैं रोज आकर तुम्हें ग्रीटिंग देकर करता रहूंगा हैप्पी बर्थडे। उसका नहीं, मेरा है। मेरा। अरे बाप रे, कैसा लगा? सुपर गुरु। आप टेंशन मत लो बॉस, ये लड़के लोग बहुत सुपर फाइट करते हैं, दिखने में छोटे लगते हैं बस।
सॉरी बॉस, बार खुलने में थोड़ी देर हो गई, इसलिए मुझे आने में भी थोड़ी देर हो गई बॉस। कैसा रहा? अपना गैंग बिल्कुल मस्त है बॉस, बहुत फिल्मों में ऐसी एक्टिंग की, चाहो तो देख लो बॉस, दिखाता हूँ। अबे अबे अभी मारा नहीं, ओवर एक्टिंग मत कर बे, कूल 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 है। आप टेंशन मत लो बॉस, हमें कितना भी मारो चलेगा, बस आपकी गर्लफ्रेंड पट जानी चाहिए बॉस, क्योंकि अपना तो मकसद ही है कि आदमी का काम बन जाए। Some chief fellows are... आज तक ये सब मैंने फिल्मों में होता हुआ देखा है, पर तुम तो फिल्मों से भी दो कदम आगे हो। You just go to hell, stupid। अरे तो मैं छोड़ो, मैंने तो सही प्लान किया था, क्या कर रहा है यार तू? अरे जान पूछ क्या किया मैंने, क्या कर रहा है? अरे भाई 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 क्या भाई, मेरी बात गलती से मिस हो गया, गलती से मिस हो गया, मिस हो गया, मिस हो गया, मुझे वहां तूने बेवकूफ बना दिया ना। मैं छोड़ दे बार, बेचारा हूं मैं, बेचारा हूं, तू बेचारा है क्या? तेरी यार मत मार यार, प्लीज तेरी वाट लगा लो। क्या I'm sorry, Lucky. मेरे आईडिया की वजह से तुझे सच में फाइट करनी पड़ी यार। फाइट छोड़ यार। अबे इस फाइट में तुझे चोट लगी क्या? वो चोट? उस फाइट में तुझे चोट लगी क्या? मुझे पूरा यकीन है। जिंदगी में तुम दोनों के सुधरने का कोई लक्षण नहीं दिख रहा है। कैसे दिखेगा? पी कर तू टल्ली हो गया है, तेरी आंखें पूरी लाल हो गई हैं। लेकिन हमारा फ्यूचर हमको पूरा ब्राइट दिखाई दे रहा है। मेरी लाइफ में सिर्फ एक ही टेंशन है यार। तो खुद टेंशन है बे। चुप। तुम दोनों को सेटल होना है यार। हम हो जाएंगे, तू अपना देख ले। देख तो लूंगा, पर तुम दोनों को बुरा लग सकता है। बुरा क्यों, किस लिए? कल सुबह मैं रीटा के साथ यूएसए जा रहा हूँ। जा, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ हमेशा रहेगा। वहाँ जाने के बाद मेरी हेल्प चाहिए तो मुझे फोन करना, शर्माना मत। मैं यहाँ से जा रहा हूँ, ये सुन के तुम्हें कुछ फील नहीं हो रहा है? फील? कैसा है रे ये? फील होने के लिए तू ऊपर जा रहा है क्या? जा बे जा। यार तू चिकन खाएगा या चिप्स खाएगा? हाँ चिकन ही खा लेते हैं, चिकन तंदूरी। ए हनुमान, रुक 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 रुक। ए हनुमान, तेरा जाना जरूरी है क्या? लकी, मैं जा रहा हूँ। अरे क्या हनुमान, कल रात से तू गया ही नहीं क्या? चल जल्दी जा यार। हनुमान हनुमान क्या हुआ? लकी, अब हम क्या करेंगे? कुछ करना होगा। रात की जो बची हुई है वो लेके आ। कहाँ चलेगी, दिख नहीं रही है, घर तो यही है ना उसका। चल निकाल, लड़की के पीछे भागेगा तो तेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अच्छा हुआ उसने देखा नहीं। ए गौरे, 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 सॉरी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। हे गर्ल्स, व्हाट्स हैपनिंग? Who's this guy? Universal problem, love problem. Hey, what are you doing? What's your problem, yaar? That very God! Save me, girls! Gore! 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 Hey, Gore! Tu bahut hi chalak hai. Aaj kuch na kuch decide karna hi hai. Do or die, love or live. Kya hai? सुबह सुबह पी कर आए हो क्या? हाँ और क्या, तो क्या कर लोगी? तुझ जैसी लड़कियों के सामने दारू पी के आओ तो ही समझती है। सभी लड़के आईएएस एग्जाम का प्रिपरेशन करने की तरह प्रिपेयर होके आते हैं और आई लव यू बोलते हैं, तो तुम पानी पीने जितना आसानी से नो कह देती हो। हम लड़कों के बारे में क्या सोच के रखा है? लड़कियों के लिए हमने ताजमहल बना के रखा है, ताजमहल, कुतुब मीनार बनाया है, गोल गुंबद बनाया है, मंदिर बनाया है और बहुत कुछ बनाया है, मुझे याद नहीं आ रहा है तुमने हमारे लिए क्या बनाया। खाली हमारा बैंड बजाया, हमारा दिमाग खराब करके, गले तक पिलाकर, इनडायरेक्टली हमारे हाथों से बार खुलवा दिया। हम पी पी कर हमारी किडनी लीवर डैमेज होने के बाद हमारी समाधि बन जाती है। अरे कैसी लड़कियां हो तुम? ये कौन है, पागल कहीं का?
ओए, क्यों ऐसे घूर रही है? हाँ? ओ, तू बहुत फेमस है, तेरे बहुत सारे फैंस हैं, गांव की तू एक ही राजकुमारी है क्या? ए, 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 मैं भी कुछ कम नहीं हूँ, मेरे पीछे बहुत लड़कियाँ पड़ी हैं, लेकिन मैं तेरे पीछे पड़ा हूँ। देखो यहाँ से चुपचाप चले जाओ वरना बहुत बुरा होगा। धमकी दे रही है क्या गौरी? आज कुछ ना कुछ एक डिसाइड करना ही है, कौन आकर क्या कर लेगा ये मैं देखता हूँ। आ जाओ बे। आजा बे, आजा, आजा। इतना सब रेडी करके आया हूँ तो तुझे कैसे भूलूँ? Take this hoodie and keep quiet, your dirty dog. आज शनिवार है, नॉनवेज नहीं खाएगा लगता है। वेज भी है। अबे अपना दिमाग घर पे छोड़ के आया है क्या? तो ये पड़ा हुआ है लकी, ऊपर उठेगा या नहीं, उठेगा या नहीं, लेकिन नहीं। भगवान बोल रहा है भगवान। अबे तेरा भगवान क्या कर लेगा? जा पत्थर के सामने हाथ जोड़ते रहते हैं सब पागल। कैसे भी आप बुला ही लेते हो ना। ऑल इंडिया 33 करोड़ भगवान की लिस्ट में आप ही सबसे नंबर वन पर हो, और आप बहुत ही स्ट्रांग पावरफुल हो ऐसा लोग कहते हैं, मैंने ऐसा सुना है, लेकिन पर्सनली कभी मीट करना नहीं हुआ। वो क्या है ना कि श्री गणेश वक्र तुंड एक दंत मूषक वाहना, मैं आपके भरोसे पर ही आया हूँ भगवान। मुझसे अगर कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर देना, मुझे माफ कर देना, मुझे माफ कर देना। ओम वक्र तुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभ निर्विघ्नम कुरु मे देव सर्व कार्य। ऐसा कभी आपको टॉर्चर नहीं किया है। डायरेक्ट मैटर पे आता हूँ। एक तो मुझे नौकरी मिलनी चाहिए, और सेकंड गौरी मुझे पहचान ना पाए। देखो फर्स्ट टाइम मैं आपसे हेल्प मांग रहा हूँ गुरु। मुझे हेल्प करके आप अपनी नंबर वन की पोजीशन को बचा कर रखो। आपको मेरी हेल्प करनी है, आपके पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। चलता हूं प्लीज। हाँ सर, यहाँ सलून वाला तो आई 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 ये मेरा ही सलून है। आई आई बैठिए। हाँ बैठिए बैठिए। ये तो चल बहुत दिनों बाद कोई कस्टमर है। बैठिए बैठिए बैठिए। ये कौन सा डब्बा सलून में लाया है? ऐसा मत बोलिए सर, ये सलून भी एक मंदिर जैसा ही है। क्या कहा? मंदिर? देखिए सर, मंदिर में आप सर झुकाते हैं ना, यहाँ पर भी आप अपना सर झुकाते हैं, वहाँ भी बाल कटवाते हैं और यहाँ भी बाल कटवाते हैं। जिंदगी के लिए कुछ अच्छा होने के लिए आप वहाँ मदद मांगते हैं, और जिंदगी में अच्छा दिखने के लिए आप यहाँ पर बाल कटवाते हैं। देख आज सोमवार है, कोई भी सलून खुला नहीं है, हमारे पास पैसे भी कम है, ये अपना काम कर देगा यार। चल चल लकी, चल 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 जल्दी जा, बैठ जा बैठ जा। हां बैठ जा, रेडी? आज जरा देखते हैं कि क्या ये तो काफी कुछ एडजस्ट करना पड़ेगा। हेलो इसे कुछ तुम जरा इधर आओ, आओ ना।
ऊपर देखो। अब रेडी सर? क्या हुआ? देख, तू लकी के सर पे हाथ रख रहा है तो ये तेरा लक है। कुछ भी गलत मत करना, थोड़ा अच्छे से करना यार। भाई ने मुझे सब कुछ बता दिया है, आप तो अपना सर बस मेरे हवाले कर दीजिए। आउटस्टैंडिंग साधु का कमाल देखिएगा, कलाकारी से भरपूर है। अपनी कला दिखाने के बाद आपके सर की वैल्यू बढ़ जाएगी सर। यू जस्ट स्माइल एंड प्लीज गिव मी वन फोटो। जबरदस्त। सुनो, आगे के बाल थोड़े सा पीछे करके मस्त काट देना। मुझे सब कुछ पता है, आप चुपचाप मेरा काम करने दीजिए। रोना नहीं, अच्छे बच्चे नहीं रोते। क्या बात है, रेडी सर? सुपर लग रहे हो। वेट, क्या बात है, स्मार्ट लग रहे हो। मुझे प्यार करने वाली अभी मुझे पक्का नहीं पहचानेगी ना। अरे वही लड़की क्या तुम्हें पैदा करने वाले माँ बाप तक तुम्हें नहीं पहचानेंगे? ऐसा क्या? टेस्ट करना चाहोगे? भाई चाय आ गई। ये बेटा सुन, पहचान कौन है ये बता? ये क्या भाई, आप क्या पूछ रहे हो? इनके साथ जो लंबे बाल वाला आया था वो यही है ना? ये मेरे को लगता है इसने आपके कपड़े देख के पहचान लिया होगा। क्यों है ना बेटा? कपड़ा देखकर नहीं भैया, आंखें देखकर पता चल जाता है। अरे 420, सब कुछ तो चेंज होता है लेकिन ये आंखें कैसे चेंज करूं? मैं हजारों लोगों के बीच रहूं, वो गौरी मुझे जरूर पहचान लेगी। डोंट वरी लकी, उसका भी इलाज है। कंप्यूटर पॉइंट प्रोग्राम हैव कम अ लॉन्ग वे सिंस। डॉक्टर साहब नमस्ते। आप? सर मैं फोन, आईबॉल, कलर चेंज। आप लोग? मैं आप लोगों का ही इंतजार कर रहा था। बैठिए। इतना एक्साइट क्यों हो रहा है ये? अरे यार ये स्पेशलिस्ट हैं, ये हर काम को एक्साइट होकर ही करते हैं। डॉक्टर ये जो मेरी आंखें हैं ना। आप कुछ मत कहो, आप सिर्फ इस एग्रीमेंट पे साइन करो। एग्रीमेंट? ये क्या एग्रीमेंट बिग्रीमेंट बोल रहा है? फॉर्मल चीज है, कर देना, जल्दी कर 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 कर। डॉक्टर साहब हो जाएगा ना काम? सिस्टर। यस डॉक्टर। सब रेडी है ना? हाँ सब रेडी है डॉक्टर। अबे जहाँ भी देखो सब धुआं धुआं लग रहा है। दोनों मिलकर मुझे मारना चाहते हो क्या? क्या बकवास कर रहा है तू? ही इज डॉक्टर आदि, फेमस आई स्पेशलिस्ट, ही जीनियस। रुक जा, टेंशन क्यों ले रहे हो? नो टेंशन, मेरे पास आ गए तो काम खत्म। प्रॉब्लम? कम ऑन, चलिए 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 जा। डॉक्टर आदि आप काम शुरू कीजिए। बाबा डॉक्टर, आपने इससे पहले किसी का आई कलर चेंज किया है ना? हाँ बहुतों का किया है। लेट ना यार तू, सर शुरू कीजिए आप। अपनी आंखें खोलो। डॉक्टर यू आर अ जीनियस। डॉक्टर यू आर अ जीनियस। डॉक्टर आदि आपको तो चांद पर होना चाहिए, पृथ्वी लोग तो क्या पूरे चंद्र लोक में भी ऐसा डॉक्टर नहीं मिलेगा। चंद्र लोक? डॉक्टर आपकी फीस देखो, मैं उसमें एकदम पक्का हूँ, किसी को धोखा नहीं देता। ये लो। हाँ जिस पे भी एक्सपेरिमेंट करता हूँ, कुत्ता हो बकरी हो, सबको फीस देता हूँ, तो तुमको भी दूंगा ना। ये फीस लेने वाला नहीं देने वाला डॉक्टर है। सक्सेस। देखो ऐसा कोई ग्राहक हो तो लेके आओ। ये बात हो गया अपना काम। अबे नालायक, तुझे पैसा चाहिए था और उस डॉक्टर को एक्सपेरिमेंट करने के लिए एक बकरा चाहिए था, वो मैं मिल गया। मेरी आंखें चली जाती तो क्या करता? अरे आंखें गई नहीं ना, टेंशन क्यों ले रहा है? वैसे भी लेंस के लिए हमारे पास पैसे हैं क्या? वो सब छोड़, तेरे आई बॉल का कलर चेंज हो गया है और गेटअप चेंज करने के लिए हमें चेंज भी मिल गया है। Lucky, lucky, stepping and running and jumping and fighting and breaking.
and I'm faking and checking and looking and liking the number one and the lucky, 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 lucky. Wow. Sir. Sir. सर आप ही हो ना जो कल रंग बिरंगे होकर आए थे। Exactly। हाँ, कल देखो बिल्कुल बेकार लग रहे थे, आज बिल्कुल राजकुमार लग रहे हैं आप। ऐसे रहेंगे तो हर जगह काम मिलेगा। आज मैं आपको नहीं रोकूंगा। All the best। Thank you। आपका थैंक्स छोड़िए, मैं ही लकी हूँ, ये बात किसी को मत बताना। ठीक है सर, नहीं बताऊंगा, जाइए। सिर्फ मुंह से बोलने से नहीं चलेगा, प्रॉमिस करो। इतनी छोटी बात के लिए प्रॉमिस चाहिए सर? भगवान के लिए प्रॉमिस कर दो, आपका कुछ नहीं बिगड़ने वाला। अरे करो यार। ओके, मेरी जान भी चली जाए, आप लकी हैं, किसी को नहीं बताऊंगा, ये मेरा वादा है सर। Lucky? I'm sorry, I'm Vicky, Vikram Kumar. Interview? Excuse me? Your good name? Vicky, Vikram Kumar. Vikram Kumar? Vikram. आपका लकी नाम का कोई भाई है क्या? जी नहीं, मेरे पेरेंट्स का मैं इकलौता बेटा हूँ। तो मिस्टर विक्रम कुमार, डिग्री 2 साल पहले आपने पूरी कर ली थी, तो आपने कहीं काम क्यों नहीं किया? 2 साल से जो मैं चाहता था वो काम मुझे अब तक नहीं मिला था, और आसान काम भी बहुत ही मेहनत से करना ये मेरा तरीका है। आपका कोई कजिन ब्रदर है क्या लकी नाम का? जी नहीं, मेरे पूरे खानदान में मैं एक ही लड़का हूँ। ओके मिस्टर विक्रम, हमें आपका एटीट्यूड बहुत पसंद आया। गौरी, डू यू हैव एनी क्वेश्चंस? आपका निकनेम है क्या लकी या ऐसा कुछ? एक्सक्यूज मी मैम, इस काम के लिए मेरे सारे पर्सनल डिटेल्स इस सर्टिफिकेट में हैं, और आपके लिए वो देखना काफी होगा। सी मिस्टर विक्रम, इस फाइल में आपको वर्क रिलेटेड सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। एक प्रोडक्ट है जिसके ऊपर आपको कॉन्सेप्ट डेवलप करना है, अगर आपका कॉन्सेप्ट हमें पसंद आए तो आपकी नौकरी पक्की। श्योर सर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, सी यू टुमारो। वन मिनट सर। ओके लकी, लकी विक्रम, या तुम लकी हो ना? आई एम सॉरी, लगता है इस लकी ने आपको बहुत ही परेशान किया है, लेकिन मैं नहीं करूंगा। आई एम विक्रम, विक्रम कुमार। बाहर देखो तो सभी आपकी कंपनी के बारे में अच्छा अच्छा बोलते हैं, और अंदर देखो तो आप बच्चे की तरह लकी लकी कर रही हो। वेरी फनी, एक्सक्यूज मी। Fantastic. सिर्फ एक दिन में 10 options. Very good. Thank you. Very nice. Unbelievable. Thank you, sir. Very good work. Thank you. Gauri, he is the right person. I think your pay will do wonders. और आपको नौकरी की सारी डिटेल्स गौरी दे देंगे। अब से आप सिर्फ गौरी को फॉलो कीजिए। अबे पागल लोगों, इतने दिनों तक तो वही किया था, आगे भी वही करूंगा। गौरी,
कैरी ऑन. थैंक यू सर. कांग्रेचुलेशन. थैंक यू सर. इम्प्रेसिव. थैंक यू. मेरे विकी बनने के बाद तो मेरी लाइफ व्हाइट एंड व्हाइट हो गई. कंपनी की कार, कंपनी का फ्लैट, राज योगे बॉस. हेलो हेलो ए 420 अबे रूम देखा ना. क्या हुआ अबे? हाँ यार. अरे क्या लकी है यार तू. या 420 कम इन. ओह हे. हाय. हाय विकी. तुम यहाँ? मैं यहीं सामने वाले फ्लैट में रहता हूँ. हाँ पता है, मैंने ही तुम्हें चाबियाँ दी थी. यस यस यस. वन सेक. अरे इधर आ. अंबुर्भुवः स्वस्तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गोदेवस्य. मैं अपने घर पे गया था तो भगवान का अभिषेक करके ये बहुत ही पावरफुल चीज लाया हूँ. अपने घर पे बांधी है, तुम्हारे घर पे भी लगा दूँ? श्योर. मैं फोर आनंद. फोर आनंद. देखा, सबको यही डाउट होता है वो क्या होता है. वो होता है ना, हाँ, सिक्सर सिद्धू. वो सिक्स मार मार कर सिक्सर सिद्धू बन गया और ये फोर मारता है इसलिए फोर आनंद. सो आपको क्रिकेट बहुत पसंद है? एक्चुअली मैं अनिल कुंबले की तरह. वहां बंद हो, संभाल के बंद. धियो यो न प्रचोदयात्. ओम शांति शांति शांति. मेरा फ्लैट आपके फ्लैट के जैसा लगता है. एक ही सोसाइटी के है ना, और कंपनी ने दिया है तो एक ही जैसे होंगे. कितनी सरप्राइजिंग बात है ना. ऑफिस में भी आमने सामने, यहाँ भी आमने सामने. एक मिनट अभी आई. हाँ यस यप. यहाँ बांध देता हूँ. अबे 420 है? मैंने एक ही बार अपनी लाइफ में उस गणपति के पास हाथ जोड़ा था है? तो मुझे नौकरी भी मिल गई और जिस लड़की को चाहता था वो भी मिल गई, इसलिए तो वो नंबर वन रैंकिंग पर है. ए, सब मेरे आइडिया का चमत्कार है भाई. हाँ यार, फर्स्ट टाइम तेरा आइडिया वर्कआउट हुआ है. इसी खुशी में मेरा फ्लैट तू रख ले. मैं रख लूं? तो तू कहां जाएगा? मैं अपनी डार्लिंग गौरी के साथ इसी फ्लैट में सेटल हो जाऊंगा. हैं? शादी होने के बाद अलग अलग फ्लैट में कैसे रह सकते हैं? मतलब तू शादी तक पहुंच गया क्या? अभी तो अपनी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आने का चांस ही नहीं. मेरे आइडिया को करने के बाद कभी प्रॉब्लम नहीं आती है भाई, समझा? ये क्या दिख रहा हूं मैं? ये क्या दिख रहा हूं मैं? लकी, विक्की विक्की बोल के सारे शहर को बेवकूफ बना दिया. लेकिन तेरे इस दुश्मन को बेवकूफ कैसे बनाऊं? अब कोई चांस नहीं है. तू तो गया भाई, तू तो गया. मैं मरना नहीं चाहता, मैं तो जा रहा हूँ, मैं तो जा रहा हूँ भाई. देख यार, तू सारा सामान पैक कर ले, यहाँ से अब चलते हैं. हम यहाँ से चलते हैं. चल निकल ले, निकल ले. हे भगवान गणपति, अगर आप नंबर वन के भगवान हैं तो मुझे इस कुत्ते से बचाइए. ये मेरा परम शत्रु है, इसे कैसे भूल गया. भगवान मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, बचाओ. गणपति, मैं कहाँ था और कहाँ लाकर खड़ा कर दिया. अभी कुछ भी करके मुझे इस कुत्ते से बचाइए, मैं सेटल हो जाऊंगा. मुझे बचाइए गणपति, गणपति मुझे बचाओ, मुझे बचाओ गणपति. हे गणपति मुझे बचाओ, गणपति मुझे बचाओ. अरे मुझे बचाओ, बचाओ गणपति, गणपति बचाओ, बचाओ मुझे. नहीं नहीं, ओ ओ ओ, अरे छोड़ो मुझे. नहीं नहीं, ओके. इस कुत्ते ने भी मुझे नहीं पहचाना. ओ यस. ए, अरे ऐसे देख क्या रहा है? मुझे देख के भौंकना. अरे आई एम लकी. हे भौंकना, भौंक भौंक. ए 420 इधर आ. अरे देवा गणपति, आपने मुझे बचा लिया. ए तू क्या कर रहा है यहां पर? चल चलते हैं यहां से. चल उधर देख.
अरे उसने भी मुझे नहीं पहचाना। अरे मैं तो इसे बहुत ही इंटेलिजेंट समझता था, लेकिन ये तो वैसा नहीं है। ए, चल निकल, देख तो मुझे कैसे घूर रहा है। अबे चल नीचे बैठ। ओह मैं पहचान नहीं पाया। मैंने आपको जूजू से इंट्रोड्यूस नहीं करवाया ना। ये मेरी जान है ना जूजू। My life, my love, my everything. Chuchu, Vicky को हाय बोलो। Hi, so cute. ज़्यादा पास मत जा, गड़बड़ हो जाएगी। Chuchu. I love dogs. Sach mein? Yeah. Wait, that's nice. Okay. Bye. Bye. लगा दिया। लगा दिया। Thank you. Bye. Bye. Thank you. Bye. Chuchu. Bye. अरे मेरा तो सेटल हो गया यार। वो कुत्ता भी मुझे नहीं पहचान सका कि मैं लकी हूँ। तो अब कोई भी कमीना मैं लकी हूँ पहचान ही नहीं सकता। You know what? ये जगह मैंने इसलिए सिलेक्ट की है क्योंकि इस जगह पर बहुत ही फ्लोटिंग पॉपुलेशन है। सुबह से लेकर शाम तक यहाँ पर नमस्कार गुरु। लड़की तो ब्यूटीफुल है भाई। ओके बाय बाय बाय। देखो पहले वो जगह कहाँ है ये बताओ। मैं तो ना जा रही हूँ यहाँ से। इधर ही आगे है। चलो इसके बारे में मैंने बहुत ही रिसर्च की है। ऐसा एरिया हमारे आसपास और कहीं भी नहीं है। इस एरिया में अगर अपने कंपनी के होल्डिंग्स लग जाए तो अपने कंपनी की ची थू थू ची नहीं। ये कैसा एरिया है? इस एरिया में अगर अपने कंपनी के होल्डिंग्स लग गए तो मैं भी गया, तुम भी गए और पूरी कंपनी गई। चलो आओ। वेट, अभी तो कह रहे थे कि यहाँ होल्डिंग लग गई तो बहुत अच्छा होगा। वही 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 अगर अपने कंपनी के होल्डिंग्स यहाँ पर लग जाए तो अपनी कंपनी भी खराब हो जाएगी और हम लोग भी खराब हो जाएंगे। इसलिए आओ चलते हैं यहाँ से। आओ। तुमने तो कहा कि बहुत अच्छा एरिया है। अच्छे लोग हैं ऐसा मुझे लगा था, लेकिन तुम ही देखो ना यहाँ पर सभी छपरी लोग हैं, बाहर सुसु करते हैं। इसलिए तो चलो चलो आओ आओ चलते हैं। क्यों तुमने मेरा टाइम वेस्ट किया बताओ? इसे पता था कि मेरा ऐसा फिटिंग होगा करके। क्या फिट? अब फिट नहीं होता है, मैं दूसरा एरिया सोचकर इस एरिया में तुम्हें ले आ गया। थोड़ा कंफ्यूज हो गया मैं। अब अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से सेट नहीं होता। आओ ना चलते हैं यहाँ से। आओ आओ ना प्लीज। इस एरिया में सलून है, तुझे कैसे पता चला यार? अबे उस कमीने ने सभी होल्डिंग्स में अपना एड्रेस लिख कर रखा है। उसकी फोटो कैसे आ गई? अबे इसने तो होल्डिंग बना के लटका दिया। अबे ये क्या यार, रजनीकांत की फिल्म के लिए जैसी लाइन लगती है वैसे यहाँ क्यों लगी है? ओ भाई साहब कहाँ जा रहे हैं? तीन दिन से लाइन में खड़ा हूँ, तब जाकर के टिकट मिली है मुझे। जाइए क्यू में खड़े होइए। ए बॉस, क्यू में इधर कटिंग कराने के लिए काउंटर से टिकट लेके क्यू में लगना पड़ता है। क्यू में? हेलो, आज सैटरडे है, पूरा हाउस फुल है अंदर, जाने को नहीं मिलेगा। अंदर जाना है तो ब्लैक में टिकट ले। चाहिए क्या? ये सब क्या है लकी? क्रिकेट मैच में ब्लैक टिकट होती है, थिएटर में ब्लैक टिकट होती है, कटिंग के लिए भी ब्लैक टिकट। अबे ये सब बकवास है। चल है देखो यहाँ पर झगड़ा मत करो। भाई लकी भाई आप यहाँ? अबे तू तो वो है। मैं ही हूँ, मैं नहीं साधु। ये मेरा फोटो क्यों लगाया? सब निकाल। भाई ये सब आपके महिमा का लक है। जब आपने अपना लुक हमारे यहाँ चेंज किया तो हमारे गुरु का लक ही चेंज हो गया। क्या? हाँ भाई, अभी हमारे गुरु कटिंग का धंधा छोड़कर पूरे शहर में बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाकर बड़े बड़ी ब्रांचेस ओपन करके आराम से जी रहे हैं। कहाँ है वो साधु? शहर में मेरे फोटो की होर्डिंग्स लगाई है, पहले उसे उतार वरना मार दूंगा तुझे। तू चुप रह, तू शांत हो जा, मैं बात करता हूँ। सॉरी साधु, तूने सिर्फ इसीलिए मुझे मारा? देख लकी, तू रॉयल्टी मांगेगा तो मैं रॉयल्टी दे दूंगा, लेकिन मैं होर्डिंग नहीं हटाने वाला। हाँ रॉयल्टी वॉयल्टी बोला तो गुस्सा मत कर। तुझे इस गाल की वैल्यू पता है क्या? पता है, बहुत वैल्यूएबल है। सारी लड़कियां चुम्मा देती है चुम्मा। देख सबको कैसा फील हो रहा है। ये देख डार्लिंग, ये देख जानेमन, रो मत प्लीज। उन लोगों का फील होना छोड़ दे, वो होल्डिंग अगर मेरी गर्लफ्रेंड देख लेगी तो मेरा क्या होगा? तेरी गर्लफ्रेंड?
होर्डिंग निकालने से तेरी गर्लफ्रेंड का संबंध क्या है? ये ऐसे बोलेगा तो इसकी जान ले लूंगा। मैं बात करता हूं। साधु भाई, इसके पीछे बड़ी कहानी है। कैसी कहानी है? तू रुक जा। आप वहां चलिए, मैं बताता हूं। चलिए मेरे साथ। तो ये बात है। लकी, यू डोंट वरी, तेरे लव के आगे मेरा बिजनेस कोई वैल्यू नहीं रखता है। मैं सारे होर्डिंग्स निकाल दूंगा, सारे बोर्ड्स निकाल दूंगा। यू डोंट वरी, यू कैरी ऑन। थैंक यू भाई, सॉरी यार। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू साधु भाई, थैंक यू वेरी मच। चल लकी, काम हो गया अपना। बाय। लकी, क्या हुआ साधु? होर्डिंग तो निकाल दूंगा यार, लेकिन कल के क्या? कल के पेपर में ऐड दिया है मैंने, वो ऐड कैसे रुकेगा? हाँ। हाँ। कल का पेपर डिस्पैच हो गया ना सर? अरे क्या कहा, डिस्पैच हो गया? अब क्या करेंगे यार? क्या अभी क्या करें? सॉरी, कल वो पेपर गौरी के हाथ में नहीं आना चाहिए, बोलता हूँ तुझे। अबे ठीक से खड़ा हो ना। हे 420, जाओ पेपर लेके आ जा। नो, चोरी कभी नहीं, मैं कभी नहीं करूंगा। अबे कमीने लोफर, सारी गंदी हरकतें तो करता ही रहता है, और पेपर लाने बोला तो उसे तू चोरी समझता है। जाके पेपर लेके आ जल्दी। लकी, मैं कुछ भी करूंगा पर चोरी नहीं करूंगा। हा? मैं कभी नहीं करूंगा चोरी। मैं जा रहा हूं अंदर। क्या नाम है तुम्हारा बेटा? तू चोर है। अरे बापरे, सारे पेपर फिनिश हो गए। अरे बापरे, ये कौन सा पेपर मिस हो गया? अरे अब मैं क्या करूं? हाय, तुमने विकी को देखा? नो मैम। अरे चुप ना। अरे कौन है यार? पेपर देखा तुमने? इसलिए यहाँ छुपे हो ना? ये बबल गम डबल गेम मुझे दोनों ही पसंद नहीं है। तुम इतनी जल्दी चेंज हो जाओगे, मैंने सोचा भी नहीं था। देखो, मैं जानबूझकर चेंज नहीं हुआ। What? मेरे हालात ऐसे थे कि मेरे हाथ में पेपर आएगा तो मुझे पता चलेगा, और मुझे पता चलेगा तो तुम फंस जाओगे, है ना? नहीं, मैं खुद ही ये बात तुम्हें आकर बताना चाहता था, लेकिन देखो, अगर तुम्हें इस प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट नहीं है तो पहले बता दो। प्रोजेक्ट? हाँ, तो कौन सा प्रोजेक्ट? ये वाला। तुम इतनी देर से इस प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रही थी। हाँ, तो तुम क्या समझ रहे थे? मैं भी इसी प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहा था। तुम ये प्रोजेक्ट हैंडल कर पाओगे या नहीं, ये बताओ। अरे पक्का करूंगा ना, तुम्हें पसंद आया तो हैंडल ही क्या, स्टीयरिंग भी करूंगा। इट्स नॉट अ जोक विकी, इट्स प्रीटी कॉम्प्लिकेटेड। बिलीव मी, जितना भी मुश्किल हो मैं ये प्रोजेक्ट जरूर हासिल करूंगा। तुम्हारे लिए तो मैं जरूर करूंगा। श्योर? इट्स अ प्रॉमिस। इतना टैलेंट होने के बावजूद तुम क्यों छुप रहे थे? अब वो भी एक तरह का टैलेंट ही है। Anyways, I'm happy now. इसी खुशी में वन कॉफी? कॉफी? ओके। कहाँ? कहीं भी, आज शाम को तुम्हारे फ्लैट में। डन। हाँ बोले यार। ए 420, आज शाम को गौरी मेरे घर पे आने वाली है। मतलब मैटर यहाँ तक पहुँच गया है। ए, वो सब छोड़, और मेरी बात ध्यान से सुन। मैं ही लकी हूँ ऐसा प्रूफ करने वाला कोई भी सामान अगर घर में हो तो उसे हटा दे। थोड़ी भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, नहीं तो मैं मुश्किल में पड़ जाऊंगा। सारे किए कराए पर पानी फिर जाएगा। अभी मेरा प्रेजेंटेशन जरूरी है। लाइफ में फोकस बहुत ही जरूरी है। ये
एक्सक्यूज मी, क्या हुआ? ये तेरा चेन बेल्ट वगैरह सब कुछ दे दूं क्या? हाँ दे दे। हमारा सारा कॉन्सेंट्रेशन, हम जो काम कर रहे हैं बस उसी पर होना चाहिए। क्या हुआ? हेलो लकी, तेरी फेवरेट ब्लू जींस है, उसे भी दे दूं क्या? हाँ दे दे। ठीक है ठीक है, दे देता हूँ। अच्छा सुन, एक रिंग बच गई है। जो भी है वो सब का सब दे दे कमीने, लेकिन बार बार मुझे फोन मत करना। सॉरी। व्हाट्स ऑल दिस? अरे आ रहा हूँ ना, कौन है बार बार बेल बजा रहा है? अरे आ रहा हूँ यार, रुको, क्या काम है बोलो। गुड आफ्टरनून सर। ये गाली दे रहा है या फिर नमस्कार कर रहा है? ए, कौन हो तुम बताओ? आपने बुलाया था सर। मैंने? आई एम ऑल इंडिया बेगर प्रेसिडेंट। अच्छा ये वो है भिखारी इंग्लिश वाला। बेंगलोर में भीख मांगना है तो ऑल लैंग्वेज आल्सो कमिंग। माय मुंबई दिल्ली। अरे रुक जा यार, ये तो मानी नहीं रहा। आ रहा हूं ना, आ रहा हूं। माय टाइम इज गोइंग टू लेस। ये सब कुछ ले लो और जा यहां से मेरे पास। जा जा चले जा। सर सुनिए, ये क्या है सर? मैं पेट भरने के लिए अपनी थाली लेकर आया हूं सर। नो कपड़े, ओनली खाना। दिस इज माय पेट। ए बस कर, थाली प्लेट कर रहा है सर। इधर सुनिए, मेरी बात समझिए, प्यार से देखिए, कपड़े नहीं, खाने के लिए कुछ तो दीजिए सर। ए, खाने के लिए घर में कुछ भी नहीं है, ये बैचलर्स का रूम है, घर में खाना नहीं बनता है। कपड़े मिल गए ना, अब चुपचाप यहाँ से निकल लो। चलो जाओ। हो चुप कर, धीरे बोल, धीरे बोल। थाली पकड़कर आपके दरवाजे पर आ गया तो पेट के लिए कुछ देना ही होगा, कपड़े नहीं चाहिए। चुप कर, तब से दिख रहा हूँ थाली प्लेट करके मेरा दिमाग खा गया। से सुन रहा हूँ थाली प्लेट करके मेरा दिमाग खा रहा है। ये लकी को लकी प्रूफ करने वाला सिर्फ ये आखिरी एविडेंस है। मैं इसको कैसे भूल गया? एक मिनट रुको। ये लो, ये सोने का बना हुआ है, इस पर भीख मांगना तुमको बिरयानी मिलेगी। देखो अब दोबारा यहाँ पर मत आना, समझे? चल जाओ यहाँ। सर सर, अब दोबारा मत आना। सारे एविडेंस मैंने खत्म कर दिए। फिर से कोई आ गया, क्या है, कौन है, क्या चाहिए तुमको? क्यों बेटा 420, कैसा है तू? माँ जी, लाइफ में डिस्टर्बेंस बहुत होता है, फिर चाहे कुछ भी क्यों ना हो, हमें डिस्टर्ब बिल्कुल नहीं होना है। क्या हुआ? अरे सुन लकी, सुन लकी, यहाँ एक प्रॉब्लम हो गई है यार। कुछ भी होने दे, तू ही मैनेज करके मार। हेलो हेलो लकी 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 लकी, बोला मैनेज करूं। कैसे मैनेज करूं यार? आइडिया। हमें ये प्रोजेक्ट, हाँ बिल्कुल, हाँ क्यों नहीं, जरूर होगा। अम्मा, माँ। नमस्ते आंटी। माँ आरती उतार रही है, हमारे घर में फर्स्ट टाइम कोई आता है तो उतारो माँ, आरती उतारो। अंदर आओ बेटी। That's right. विकी? पापा? नहीं, उसका डैडी। वेरी फनी। आ जाओ आ जाओ। हाय हाय, कैसे हो? मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप कैसे? मैं भी ठीक हूँ। आप तुम आराम से बैठो, बैठ जाओ आराम से। क्या कर रहा है? तुमसे बात कर रही है, गुदगुदी हो रही है, गुदगुदी हो रही है, गुदगुदी। ऐसा मत कर, ऐसा मत कर। वो मेरा पोता है बेटी। नमस्ते। ये क्या बेटी, मुझे तुम ऐसे क्यों घूर रही हो? मैंने 90 डाली है इसलिए। इस उम्र में? अरे 90 डालने के लिए उम्र का क्या मतलब, मैं तो घर में हमेशा 90 डालना ही पसंद करती हूँ। तुम्हें 90 की आदत नहीं है क्या? जी, मुझे ऐसी कोई आदत नहीं है। ओहो, ये सब आदतें रहनी चाहिए,
90 डालने से कितना मजा आता है पता है? इन सबको क्यों लाया तू? अबे फोन किया था ना कि घर में प्रॉब्लम हो गई है, तूने बोला कि सब कुछ मैनेज कर लो। बस मेरे डायरेक्शन में पूरी स्टोरी फुल मैनेज हो रही है भाई, तू देखते जा देखते जा। अब क्या हुआ? गणेश जी को बनाते बनाते ईश्वर को बनाएगा तो चलेगा, तूने तो सीधे यीशु को ही बना दिया। क्या हुआ? अभी कैसे मैनेज करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चल। हमारे एरिया की सारी लड़कियां बुढ़ियां सभी 90 डालते हैं। क्यों डालती थी मुझे नहीं पता, एक बार मैंने भी डाल कर देखा, 90 डाले के बाद ही मुझे इस बात का पता चला। दादी, उसे 90 नहीं कहते, 90 90 90 या दादी थोड़ा सा है, ऐसे ही। मैंने भी तो वही कहा ना 90। विकी बात करते रहो, मैं भी आई। बैठो ना, बैठो। कॉफी पिए? सिर्फ कॉफी? क्या बेटी पहली बार घर आई हो, सिर्फ कॉफी पी के जाओगी? नहीं बेटी, आज तुम्हें मेरे घर का खाना खा के ही जाना होगा। अरे रहने दीजिए पापा, इन्हें कोई अर्जेंट काम होगा तो इन्हें तकलीफ मत दीजिए, फिर कभी देख लेंगे। क्यों विकी, उसे खाना खाकर ही जाने दो। देखो बेटी, तुम खाना खाकर ही जाना। माँ जबरदस्ती। ठीक है, मैं खाकर जाऊंगी, थोड़ा सा डालिएगा। गौरी, हमारा विकी बहुत अच्छा लड़का है। आजकल के लड़के इतने बड़े बड़े बाल बढ़ाते हैं, मेरे विकी ने कभी नहीं बढ़ाए, जब ही बढ़ते हैं तुरंत कटिंग करता है। इन्होंने पूछा क्या? बेटी तुम ऐसे रो क्यों रही हो, मिर्च ज्यादा हो गई क्या? नहीं। तो फिर अपनी लाइफ में पहली बार मैं फैमिली के साथ बैठकर खाना खा रही हूँ। क्या हुआ बेटी, तुम्हारे माँ बाप नहीं है क्या? नहीं है। देखो बेटी, आज से तुम हमें ही अपने माँ बाप समझ लेना। अब चलो बेटी खाना खाओ। Thanks for the dinner. My pleasure. पहले तो मुझे तुम अच्छे लगते थे, पर अब तुम्हारे घर वाले भी अच्छे लगने लगे हैं। फैमिली किसे कहते हैं ये मुझे आज पता चला। Anyway, good night. Okay, good night. Bye. See you tomorrow. Yeah. Oh. Yes. व्हीकल में कुछ प्रॉब्लम है क्या? हम दोनों एक ही सोसाइटी में रहते हैं, एक ही ऑफिस में काम करते हैं, जाने का रूट भी एक है, तो फिर हम अलग अलग कार से क्यों जाएं? आज से हम दोनों कार में एक ही साथ जाएंगे। अगर तुम्हें कोई एतराज ना हो तो। तुम्हें कोई एतराज नहीं है ना? हम चलते हैं बेटा। जाना जरूरी है क्या माँ? गांव में बहुत काम पड़ा है, चलो जल्दी चलो चलो चलो। 420 मुझे 490 भेजना। 90 मांग कर के लिए भेज देना। लकी भूल जाता है, तू उसे याद दिलाना और याद से भेजना। ठीक है ठीक है, हाँ हाँ पक्का भेजूंगा। अभी भी ना। हाँ ये तो बहुत ज्यादा तेज है यार। अरे यार ये तो हनुमान है। हनुमान मेरा दोस्त। अरे अरे कैसा यार तू, अच्छा है ना? देना 200 रुपए। अच्छा हुआ तू यही मिल गया, वरना फंस जाता। ये सर कौन है, पहचान नहीं पाया। इस अपार्टमेंट के ओनर है। अबे तेरी, मैं तेरा दोस्त हूँ लकी। लकी चुप, कितना बदल गया यार तू। मेरा अवतार छोड़ तेरा ही अवतार कैसे हुआ यार? वो बहुत बड़ी कहानी है। क्या हुआ पता है?
चल अंदर चल के बात। तुझे पता है क्या हुआ? वो यूएसए में रीटा है ना, इसीलिए बोला था कि दोस्तों की बात माननी चाहिए। अच्छा ये बता आखिर हुआ क्या, बता ना। अरे हनुमान कुछ बोलेगा भी। मेरी लाइफ का डोर क्लोज हो गया यार। मतलब नौकरी गई कि पैसा भी गया? मतलब तेरा घर भी गया और साथ में चड्डी भी उतर गई? यही है मेरी कहानी। ए अरे तू टेंशन मत ले यार, अभी हमारे पास सब कुछ है, तू भी हमारे साथ ही सेटल हो जा, तेरा एहसान चुकाने का मौका मिल गया है मुझे। हमारे रहते तू चिंता मत कर, चल आजा अंदर चल और ऐश करना यार, आजा। मेरे पुराने कपड़े रखे हैं या नहीं? अरे नए खरीदेंगे यार, चल अंदर। हाय किड्स, पटाखे फोड़ रहे हो? वेरी गुड। नहीं कोई चॉकलेट्स मत लो, अंकल ठीक नहीं है, अंकल चोर है। नहीं ऐसा नहीं है, अंकल तो बहुत अच्छे हैं। अंकल अंकल मुझे दो। अंकल अंकल अगर यहाँ पटाखे फोड़ोगे तो क्या मजा आएगा? तो कहाँ फोड़ने से मजा आएगा अंकल? कभी कुत्ते की पूंछ पर पटाखे बांधे हैं क्या? जोजो 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 ये क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक तो हो ना? इसे कहीं चोट तो नहीं लगी ना? हॉस्पिटल ले चलते हैं, हॉस्पिटल, एम्बुलेंस, एम्बुलेंस। देखिए रहने दो, ऐसे कुछ नहीं। अरे तुम चुप रहो, ऐसा कैसे कह सकते हो? ये मुखल कर थोड़ी ना बोल सकता है। एम्बुलेंस, एम्बुलेंस, एम्बुलेंस। देखिए प्लीज इट्स ओके, ये थोड़ा डर गया है बस। सच कह रही हो? तो ठीक हो जाएगा। तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी ना? अरे मेरी छोड़ो, मेरी जान चली जाए तो भी चलेगा, लेकिन जूजू बच गया ना, कहीं कुछ हुआ तो नहीं? कहीं कुछ हुआ तो नहीं? थैंक यू। ओह नो, अरे बाप रे। पर इन बच्चों को ये तुम लोग बच्चे हो या राक्षस हो? तुम लोगों में जरा सा भी कॉमन सेंस नहीं है? यहाँ पटाखे फोड़ना मना है पता नहीं है? किसी कोने में जाकर फोड़ने चाहिए। कुत्ते की पूंछ पर कोई पटाखा फोड़ता है क्या? बेचारे कुत्ते ने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? तुम्हारे माँ ने यही सिखाया है क्या? तुम्हारे बाप ने यही सिखाया है क्या तुम लोगों को? प्लीज ये बच्चे हैं, इनसे गलती। अरे तुम नहीं जानती, ऐसे बच्चों को नहीं छोड़ना चाहिए। अभी पटाखा ऐसा छोड़ रहे हैं, कल हो सकता है कि सीधे बॉम्ब भी फोड़ दे। अगर चूचू को कुछ हो गया होता तो? चूचू को कुछ नहीं हुआ है, काम डाउन प्लीज। चलो अगर तुम कहती हो तो मैं छोड़ देता हूँ। तुम्हें मेरा जूजू इतना पसंद है? बहुत। I love you, जूजू। तुम्हारा कंसर्न, तुम्हारा अफेक्शन मुझे बहुत पसंद है। थैंक यू सो मच। अरे अपने बीच ये थैंक्स की क्या जरूरत है? कुछ नहीं हुआ है, चलो चलते हैं। ये चोर है, इसकी बात मत सुनो, मैंने कहा था ना। यार लकी, झूठ बोल के बहुत दिनों तक खुश नहीं रह सकते यार। तेरी बकवास बनकर, मैंने एक झूठ बोला है? आज मेरे पास सब कुछ है, देख सब कुछ तो आ गया मेरे पास, कल गौरी भी मेरे साथ रहेगी देखना। तुम कुछ कहने वाले थे ना, कहो ना। तुम बहुत ब्यूटीफुल हो। थैंक यू, यही कहना था तुम्हें। एक्चुअली इस प्लेस पर लोग बहुत कम हैं तो ब्यूटीफुल लग रहा है ना। योर ऑर्डर सर। इसके अलावा एक्सक्यूज मी, योर ऑर्डर। अब सूप बहुत अच्छा होता है, खा लो इसे। अब सॉरी, पी लो इसे। यमी है ना? आल हाँ। अब तो बोलो वो एक्सक्यूज मी, मैं एक मिनट में आता हूँ, आकर बताता हूँ। तू आई लव यू बोल नहीं पा रहा है यार। तुम? अबे तेरी तो।
आई लव यू बोल नहीं पा रहा है। थू ए, ऐसा थूकना ठीक बात नहीं है, समझा ना। थूकना कान के नीचे बजाना चाहिए तेरे को। आई लव यू ये बोलने के लिए कितना तड़प रहा था तू। अगर तेरी जगह मैं होता तो उसे 100 बार आई लव यू बेबी करके बोलता। इसलिए तो तू रिजेक्ट हो गया। मैं तो पसंद नहीं था इसलिए रिजेक्ट हुआ हूँ। लेकिन वो तो तुझे चाहती है, तू प्रपोज करेगा ये सोच कर वो टेबल के पास वेट कर रही है और तू यहाँ बाथरूम में टाइम पास कर रहा है। व्हाट द फ। इतना ज्यादा मत सोच तू। तेरे हालात अलग थे, मेरे हालात अलग हैं। मैं बोलने आया था तो मैं बोल कर ही रहूंगा। अबे तो मेरे को बताएगा क्या? जा उसको बता। बताऊंगा। अब चलिए। हाँ चलते हैं। अब I love you। क्या कहा? I love you। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हें मैं बहुत चाहता हूँ। विकी मैं भी तुम्हें बहुत चाहती हूँ पर तुमसे कह नहीं पा रही थी। क्यों? क्योंकि मैं दिल किसी और को दे चुकी हूँ। उसका नाम लकी है। क्या? लकी है? तुम्हें फर्स्ट टाइम ऑफिस में देखकर मैंने तुम्हें लकी ही समझा था और मैं बहुत खुश हो गई थी। लेकिन तुम लकी नहीं विकी हो ये जानकर मेरा दिल बिल्कुल टूट गया। तुम लकी से प्यार करती हो? तुम लकी को चाहती हो? सिर्फ चाहती नहीं हूँ, वो मेरी जान है। मेरी लाइफ में मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट एक ही इंसान है और वो है लकी। फिर भी मैंने उसका प्यार एक्सेप्ट नहीं किया। क्यों एक्सेप्ट नहीं किया? क्योंकि प्यार में 3 स्टेजेस होती हैं विकी। पहली, लड़का लड़की के पीछे पड़ना या लड़की लड़की के पीछे पड़ना। अगर इस स्टेज में कोई एक मान गया तो मतलब सब खत्म। सेकंड स्टेज होती है मीटिंग, डेटिंग, सिनेमा, ये सब होता है टाइम पास करने के लिए। उसके बाद शादी, सेटलिंग डाउन। मुझे लकी के प्यार को पहली ही स्टेज में ईच एंड एवरी मोमेंट एंजॉय करना चाहिए था। लकी के लिए तो मैं ही हूँ ना उसकी दुनिया। मुझे छोड़कर आखिर वो कहाँ जा सकता है? लेकिन मुझसे ही गलती हो गई। अचानक वो कहीं गायब हो गया। ही जस्ट डिसअपीयर्ड। मैंने उसे हर जगह ढूंढा जहाँ वो मुझे मिलता था। उसके बारे में सोचे बिना एक पल भी नहीं रह सकती। आज भी मैं उसी के इंतजार में हूँ। लकी मुझे कितना प्यार करता था पता है विकी? माय गॉड, मैं जहाँ जाती थी मेरे पीछे आ जाता था। बेवकूफ का फिल्मी आइडिया सुन के तू बर्बाद हो गया। अपने लिए खुद गड्ढा खोद लिया तूने। गड्ढा खोद लिया? क्या बोल रहा है यार तू? क्या बोल रहा है? देख यार लकी, गौरी तुझसे प्यार करती है, फिर चाहे तू लकी हो या विकी हो, गौरी किसी और से प्यार नहीं करती है। देख लकी, टेंशन मत ले, टेंशन मत ले। उसके सामने जा, बोल दे कि तू ही लकी है, बोल दे उसको। हाँ यार, गौरी के सामने जाके मैं ही लकी हूँ ऐसा बोल दो। वो मान लेगी क्या? अरे क्यों नहीं मानेगी, वो हर फिल्म की स्टोरी में ऐसी सिचुएशन तो आती ही है। अगर तू मुझे ये सिनेमैटिक आइडिया देगा ना तो मार डालूंगा तुझे। हाय। हाय। वो तुमसे कुछ बात करनी थी मुझे। फिर से? ठीक है बोलो। मैंने एक बड़ा झूठ बोला है तुमसे। झूठ? कैसा झूठ? एक्चुअली वो मैं ही लकी हूँ। सॉरी, व्हाट? हाँ गौरी, मैं ही लकी हूँ। तुम मुझे चाहते हो और मैं लकी को चाहती हूँ। अगर तुम लकी जैसे दिखते हो तो तुम लकी बन जाओगे क्या? गौरी मेरा यकीन करो, मैं ही लकी हूँ। व्हाट? जोक बहुत हो गया, कम ऑन, बहुत काम पड़ा है। ए गौरी, आई एम सीरियस, मैं ही तो लकी हूँ। पहले तुम्हारे शो में मैं ही कॉल करता था, प्लांट्स देता था, ग्रीटिंग्स देता था। तुम्हें जान से प्यार करने वाला मैं ही तो हूँ, लकी। आहा, मैंने तुम्हें लकी के बारे में जो कुछ बताया था तुम वही मुझे बता रहे हो। Come on, I don't have time for this. जल्दी आ जाओ, बहुत काम पड़ा है। अरविंद, मेरा एक कुरियर आने वाला था, आ गया है क्या? ओके, आई विल आस्क सिक्योरिटी। ओह विकी, बाय द वे, तुम आओ। हाँ, सिक्योरिटी। नमस्ते सर। नमस्ते।
क्या बात है सर? एक हेल्प चाहिए थी। बोलिए सर, आपके लिए कुछ भी करूंगा मैं। वेरी सिंपल, मैं ही लकी हूँ ये आपको गौरी के सामने कहना है। मैं आज तक उससे मजाक कर रहा था, ये वो समझ ही नहीं पा रही है। अभी आपको वो बात उसके सामने रखनी है। आपको बस गौरी को ये बताना है कि मैं ही लकी हूँ और मैं ही विकी हूँ। और देखो, इसे घुसा दो या फिर गोली मार दो, कुछ भी करो, नो प्रॉब्लम। लेकिन अपना वादा वापस नहीं ले सकता मैं। क्या कहा, वादा वापस नहीं ले सकते? हाँ। ये क्या कह रहे हो? चाहे मेरी जान चली जाए, लेकिन आप लकी है ये बात मैं कभी किसी को नहीं बताऊंगा। अच्छा, वो अब तक वो पकड़ के बैठे हो? ओके, दिया हुआ वादा वापस ले लो और गौरी को आके बता दो। मैं सत्य हरिश्चंद्र हूँ और रघुवंश का बेटा हूँ, रघुवंश का आखिरी चिराग। दिया हुआ वादा कभी वापस नहीं लेता। बे, तूने इतने बड़े बाल बढ़ा कर रखे हैं और मेरे अच्छे खासे बाल कटवा दिए तेरी तो। ओके, देखो, अभी ये 21वीं सदी है। हाँ। अभी वादे को कोई कीमत नहीं है। गौरी के सामने बस एक बार बोल दो कि मैं ही लकी हूँ। देखिए, चाकू आपके सामने, पिस्तौल भी आपके सामने, मुझे मार डालिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं अपना वादा वापस नहीं ले सकता। देखो मिस्टर मॉडर्न हरिश्चंद्र, मैं ही लकी हूँ ये सच है ना? हाँ। तो वो सच गौरी के सामने बोल दो, समझो मेरे यार। आप समझिए, आप जो कह रहे हैं सच है, लेकिन मेरा वादा भी तो सच है। माफ कीजिएगा, अपना वादा नहीं तोड़ सकता। ये क्या हो गया यार, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। ये क्या लकी, क्या किया तूने? तेरे को अंदर बाहर दोनों तरफ नहीं खेलना चाहिए। ये छी थू कहने के अलावा आगे क्या करना है ये सोच। लकी आइडिया। देख मेरे बाप, तेरे आइडिया तेरे पास रख, लेकिन भगवान के लिए मुझे छोड़ दे। अरे वैसा नहीं, नहीं, वैसा नहीं, कोई सिनेमा का आइडिया मत देना मुझे। सिनेमा वाला आइडिया नहीं, डॉक्टर आदि। कौन सा आदि? ये आदि कौन है? हे, अरे वो मेरी आंखों का कलर चेंज करने वाला फेमस डॉक्टर है। अरे यार, तूने तो लाइफ में फर्स्ट टाइम अच्छा आइडिया दिया है। डॉक्टर आदि ने अगर आके बता दिया तो गौरी मुझे लकी समझ के सीधे मान जाएगी। यस, इन द ईयर 1952 डॉक्टर। ओ, आप लोग हैं? डॉक्टर नहीं है, क्या बात है बोलो। उनसे अर्जेंट मिलना है, वो कहाँ मिलेंगे? ओहो, डॉक्टर यहाँ कहाँ है, वो कब के ऊपर चले गए? क्या डॉक्टर ऊपर चले गए? ऊपर मतलब वो नहीं, चंद्रलोक गए हैं। चंद्रलोक गए हैं? हाँ, आपने उस दिन कहा था ना, डॉक्टर आपको यहाँ नहीं होना चाहिए, आपको तो चंद्रलोक में होना चाहिए। हमारे डॉक्टर उसे चैलेंज मानकर रिसर्च करके सक्सेस होकर चंद्रलोक में सेटल हो गए। तेरी तो, क्या करूं यार मैं, तेरे पैर ही ऐसे, जहाँ तेरे पैर जाते आदमी वहाँ से कहीं और पहुँच जाता है। अब ये डॉक्टर चंद्रलोक में चला गया है और वो घटिया साधु पता नहीं वो कहाँ पर है। साधु, साधु, साधु। हाय लकी, सॉरी सॉरी विकी, बोलो बोलो क्या बात है? कोई बात नहीं, लकी करके ही बुलाओ। समथिंग इज रॉन्ग। सीधी सीधी बात बताओ, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? मैं ही लकी हूँ इस बात का तुम्हारे पास कोई एविडेंस? एविडेंस? अरे तू दिमाग खराब मत कर, लकी नाम के सारे होर्डिंग्स को कलेक्ट करके लकी नाम के सलून का बोर्ड निकाल के वो सब जला दिया मैंने और उसकी राख को कावेरी नदी में बहा दिए और सर धो के आ गया। नहीं, वो इतना ही नहीं, उस दिन मैं सबके घर में घुस कर पेपर कलेक्ट किए, सबको जला दिया। अरे तू डर मत, मैं खुद प्रेस में गया, वहाँ के सारे एविडेंसेस को लाइक करके उसको इरेज कर दिया है, तो टेंशन मत ले, तू हैप्पी है ना? नहीं 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 नहीं, वो लकी नाम का कोई भी एविडेंस हो तो मुझे चाहिए था। लकी का एविडेंस चाहिए था? ए, तूने मुझे समझ क्या रखा है, मैं तुझे कोई पागल नजर आता हूँ? एक बार आता और कहता है गाल पे दूंगा, सारे एविडेंस चला के खाक कर दे, और दूसरी बार आके कहता कि तुझे एविडेंस चाहिए। अबे क्या समझ रखा है तूने मुझे? ऐसा नहीं है साधु, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं, तो कैसा है? बीवी को ले जाकर अबॉर्शन करवाने के बाद बच्चा मांगेगा तो वो फिर भी दे सकती है, लेकिन ले जाके ऑपरेशन करवा देगा फिर बच्चा मांगेगा तो कहाँ से देगी वो? को समझ रखा है तूने? साधु साधु, कूल डाउन, कूल डाउन। क्या कूल, क्या कूल? देखो साधु, वैसी बात नहीं है। तो क्या है? तुम अंदर चलो, मैं बताता हूँ। मैं नहीं आऊंगा। चलो मेरे साथ आओ ना साधु भाई, आओ ना, जाओ जाओ। तुम लोग इतनी परेशान मत हो, मैं अभी आता हूँ। चलो ना यार। ओ
तो ये बात है। सेकंड हाफ में तो फिर से ट्विस्ट आ गया। अरे यार तुमने तो सारे एविडेंस को जला कर रख दिया है। हर तरीके सब गड़बड़ हो गई। अब क्या करें यार? नो प्रॉब्लम, डोंट वरी, मैं मर गया हूँ क्या? अरे मैं जिंदा हूँ और मैं जिंदा एविडेंस हूँ। अरे मैं खुद तुम्हारी गर्लफ्रेंड के पास जाऊंगा और उसको बोल दूंगा कि तुम ही लगी हो। तुम्हारी बात कौन मानेगा यार? हेलो 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 हेलो, डोंट यू अंडर एस्टिमेट मी, आई एम आउटस्टैंडिंग साधु। मैं क्या हूँ, मेरी कला क्या है, ये तुम लोग अच्छी तरह से जानते हो। अभी मैं कोई मामूली आदमी नहीं हूँ, VIP, बड़े बड़े लोगों के सर के साथ फुटबॉल खेली है मैंने इन्हीं हाथों से। तेरी गर्लफ्रेंड को कि तू ही लकी एलियस विकी है ये कहना कोई बड़ी बात नहीं है। एए, अगर मुझे मेरा सर भी मुड़ाना पड़े तो भी मैं तुम दोनों को एक करके मारूंगा। यस चलो चलते हैं। अरे चलते है ना, अभी चलते, चलो चलो जल्दी चलो, चलो कम। ठीक है, शायद हमारा काम बन जाए। गर्ल्स, इसकी गर्लफ्रेंड की प्रॉब्लम है, मैं बस यूं गया और यूं सॉल्व करके आया, तब तक तुम लोग टेक केयर। हां जल्दी आ जाना साधु। ओके ओके बाय बाय। साधु कुछ भी मिस नहीं होना चाहिए, सब करेक्ट बता देना। डोंट वरी, जो भी बोलना है वो मैं एकदम करेक्ट कट करके बोलूंगा। बेल बजाओ। क्या है? मैं ही लकी हूँ ये बात तुम मान नहीं रही हो ना? मैं ही लकी हूँ ये बात प्रूव करने के लिए मैं एक आउटस्टैंडिंग सबूत लेके आया हूँ। साधु मैडम, नमस्ते। नमस्ते मैडम, मैं हूँ साधु मैडम, आउटस्टैंडिंग साधु। साधु अब ये मैं ही लकी हूँ ये बात सच बताएगा, और ये सुनकर तुम मैं खुद ही लकी नहीं हूँ बोलूंगा तो नहीं तुम ही लकी हो, तुम ही लकी हो ऐसा कहकर मेरे पीछे पड़ जाओगे। बोलो साधु। नमस्ते, मैं आउटस्टैंडिंग साधु हूँ। जिसे आप विकी 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 कह रही, वो पहले लकी हुआ करता था। लकी लकी, क्या बात है? अरे सो गया क्या? अरे भाई हमको यहाँ आए 10 मिनट से ज्यादा हो गए और तुम यहाँ 10 मिनट से स्टिल खड़े हुए हो। अगर तुम कॉलिंग बेल बजाओगे तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड को मैं सच बताकर अपनी गर्लफ्रेंड के पास जाकर सेटल हो जाऊंगा। सॉरी 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 साधु। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी ओके। थोड़ा सा टाइम मिल जाए तो बस नाच गाना शुरू हो जाता है। यस विकी, मैं ही लकी हूँ ये तुम मान नहीं रही हो ना? यही प्रूव करने के लिए मैं एक आउटस्टैंडिंग सबूत लेके आया हूँ। साधु। नमस्ते मैडम। अरे क्या हुआ? कुल कुल, अरे डरो मत, ये साधु है साधु। अब ये मैं ही लकी हूँ ये तुम्हें सच बताएगा, और ये सुनकर तुम मैं खुद ही लकी नहीं हूँ बोलूंगा तो नहीं तुम ही लकी हो ऐसा बोलकर मेरे पीछे पड़ जाओगी। कम ऑन साधु। हेलो, मैं हूँ साधु, आई मीन आउटस्टैंडिंग साधु, एक्चुअली आई मीन साधु। अरे सच बोलने में डर कैसा है यार, डरो मत, सच सच बता दो, ये मेरी लाइफ का सवाल है साधु। ओके ओके मैडम, एक्चुअली हुआ क्या है कि आप इसे विकी 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 समझ रही हैं, लेकिन एक दिन ये अपने इस दोस्त के साथ मेरे सलून में आया था और मैं बिल्कुल खाली बैठा हुआ था, चेयर पे सो रहा था, तो मैंने चेयर को ऐसे घुमाई और ये बोला कि नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं करवाना, मैं वापस जा रहा हूँ। तभी वहाँ पे सब कुछ पलट गया और इसके दोस्त ने मुझे समझाया कि मैं इसका ध्यान नहीं करूं। और मैं आउटस्टैंडिंग, दो कदम आगे जा, इन स्टैंडिंग कर, उसके बाद इफेक्टिव तरीके से सब कुछ सच सच बोल दे। अरे साधु के बच्चे, जाओ ना अंदर जाओ, अंदर जाओ, बोल बोल सब कुछ, सब सब बोल दे। आप जिसको विक्की 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 समझ रहे हैं ना, वो पहले एक दरअसल साधु साधु वहाँ देख 420। साधु तुम ठीक हो ना? तुम ठीक हो ना? साधु तुझे कुछ नहीं हुआ? तुम्हें कुछ नहीं हुआ ना? तुम्हें कुछ नहीं हुआ ना? All right। तुम सब लोग कौन हो? यहाँ क्यों आए हो?
मैं यहाँ क्यों आया हूँ और मैं हूँ कौन बताओ ना। ये कौन है, मदर पाकिजा या सिस्टर टेरेसा? आई एम वेरी सॉरी, मेमोरी लॉस, गॉन केस, मेमोरी लॉस। गो गो गो। ए ये तू कौन है? भाई मैं हूँ भाई आपका चेला। ए चल जा। अरे अरे चल जा, क्या कर रहा तू मुझे? ए चल चल। अब साधु भाई के सारे सलून्स मेरे हो गए। रोबो अन्याय करके मेरी लाइफ को तूने खराब कर दिया ना 420। मैंने क्या जानबूझकर किया, गलती से हो गया यार। करने के लिए तेरे पास कोई काम नहीं है तो मेरी ही लाइफ के साथ खेलने का तूने काम बना लिया। मैंने तो सब कुछ भले के लिए किया था, लेकिन क्या से क्या हो गया यार। बैड लक, जाने दे लकी। सब कुछ करके अब इतनी आसानी से जाने दो बोल रहा है। सोचा था साधु अंदर जाएगा, सब कुछ इफेक्टिव तरीके से बोलेगा, लेकिन उसका ही इफेक्ट खत्म हो जाएगा। मुझे क्या पता था यार। बेचारा साधु, वो उसका सर देकर मुझे और गौरी को एक करेगा ऐसा बोला था। सर तो दे दिया बेचारे ने, लेकिन तुम दोनों को एक नहीं कर पाया। अगर मैंने तेरी बात नहीं सुनी होती तो आज मैं गौरी के साथ शादी करके हनीमून पर चला गया होता। टेंशन मत ले लकी, इसका भी एक आइडिया है मेरे पास। गलती तेरी नहीं है, तेरी बकवास सुनते आया हूँ, ये मेरी गलती है। कब से तुझे सहते जा रहा हूँ। Anand Gupta returns home to an overjoyed family. Serena Williams. Hey! वो प्लेट कहाँ है? ये अबे ये प्लेट नहीं, गौरी ने दी हुई प्लेट। वो तो भिखारी को दे दी मैंने। अबे भिखारी को क्यों दे दी तूने? अबे तूने तो बोला था सब कुछ भिखारी को दे दो, तो मैंने दे दिया। अरे वो दिखने में कैसा था, कौन था वो? भिखारी तो भिखारी जैसा लगेगा ना, और कैसा लगेगा? पक्का यही है ना, ऐसा ही दिखता है ना यार? ये हूबहू वही है, उसका चेहरा मेरे दिमाग में बिल्कुल फिट हो गया है। अगर ये नहीं मिला ना तो मिल जाएगा यार, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। जरा देख लो भैया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आदमी है, कहाँ मिलेगा ये? ये देखो ये भाई, आप देखो, देखो भाई आपका रिश्तेदार होगा, दोस्त होगा, जान पहचान वाला होगा, कोई तो होगा। देखो ना भाई, बंद कर ये सब, चल उठ। अब उस भिखारी को हम कहाँ कहाँ ढूंढेंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लकी एक आइडिया है, नहीं जाने भी दे यार, जाने भी दे, बैड आइडिया था, बैड आइडिया था। अबे तेरी आइडिया सुन सुनकर मेरी जिंदगी बदल गई है, अब जो है वो बोल दे। भौंक कुछ बोलूं क्या? भौंक ना यार। लकी एक आइडिया है, हम इसकी फोटो को पेपर में छपवा देते हैं और उस पर 10,000 का इनाम रख देते हैं, कोई ना कोई खबर दे ही देगा। कैसा आइडिया है बोला, नंबर वन आइडिया है ना, गारंटी है कि वो मिल जाएगा, गारंटी है भाई। नीचे हम अपना फोन नंबर दे देंगे। पेपर में डालेगा तो फोन पर फोन आएंगे बोला था, कहाँ फोन आ रहा है? अबे थोड़ा पेशेंस कर, पेशेंस कर, बहुत जल्दबाजी है तुझे, फोन आता ही होगा। फोन आया, फोन आया, फोन आ गया। हेलो हेलो, आप भिखारी के रिश्तेदार हैं क्या? भिखारी का रिश्तेदार नहीं, मुझे भिखारी चाहिए, बोल। 10,000 कैश तो गया चेक, जैसे चाहिए वैसे दे देंगे, पहले ये बता भिखारी कहाँ पर है? डिस्ट्रिक्ट के पास हूँ मैं, उसे पकड़ने वाला हूँ, आप जल्दी से आ जाओ। अरे कहाँ है यार, पूरा मैजिस्ट्रिक ढूंढ लिया लेकिन कहीं दिख ही नहीं रहा है। हेलो हेलो, आप भिखारी के रिश्तेदार हो? हम भिखारी के रिश्तेदार नहीं है, वो भिखारी हमें चाहिए, बोलो। 10,000 कैश देंगे या चेक? जो चाहिए वो दे देंगे, पहले वो कहाँ है ये बताओ यार। अभी पकड़ने वाला हूँ, डोनाल्ड के पास आ जाइए।
दिखा दिखा, ये नहीं, सॉरी। फोन आया। हेलो, हेलो, भिखारी के रिश्तेदार हो क्या? हाँ बिल्कुल, मैं उसका पति बोल रहा हूँ। वो कहाँ है बोलो? 10,000 रुपए कैश लेके सीधा मेरे पास आ जाओ। मैं तेरे हाथ में लाकर रखूंगा। वो कहाँ है बता यार। अभी तुरंत मार्केट के पास आ जाओ, मैं वहीं पीछे हूँ। अरे मिल गया कि नहीं? अरे बताओ ना भाई। अरे अरे मुझे छोड़ो मेरा प्लेट छोड़ो मुझे। अरे तुम लोगों को कोई बेवकूफ बना रहा है। अरे मुझे पकड़ने से क्या मिलेगा तुम्हें? मेरे पीछे पड़े हो तुम लोग। अरे मेरा प्लेट। सच बोल रहा है, भिखारी को पकड़ के क्या मिलेगा? चल वेस्ट है यार, अब ये क्यों? कोई हमारे साथ खेल खेल रहा है। वो मिलेगा भी नहीं, वो नहीं मिलेगा और प्लेट भी नहीं मिलेगी। हे लकी, डोंट वरी यार, वो जरूर मिलेगा, तू देखते जा। ये आइडिया कभी फेल हो ही नहीं सकता, जरूर वर्कआउट होगा। अबे तू क्यों हंस रहा है बे, मेरी फटी पड़ी है। वहां देखो, लगता है कोई तुम्हारा रिश्तेदार है। ए, अरे ये तो वही है, वो तो खड़ा वहां पर। अरे ये तो वही है। ए भाई, ए भाई, सुन सुन सुन, वो प्लेट कहां है? कौन सा प्लेट? ए याद है, मैं अपार्टमेंट में तुझे मैंने एक प्लेट दी थी, वो कहां है? वो तो यही है। क्या ये? तेरा मुंह तोड़ दूंगा मैं सोने की प्लेट की बात कर रहा हूँ, ये वो नहीं है। अरे कल तो ठीक था ये। हा? इसमें गरम गरम खाना भी मिलता था। हा? लेकिन किसी कमीने ने सब कुछ गड़बड़ कर दिया। क्या गड़बड़ कर दी? मेरी फोटो पेपर में डलवा दी, सब बर्बाद हो गया। उसे कीड़े पड़ेंगे, भगवान उसे माफ नहीं करेगा, उसका नाश हो जाएगा, नाश हो जाएगा। गौरे बाहर आ जाओ, मैं लकी आया हूँ, बाहर आ जाओ, प्लीज बाहर आ जाओ। गौरी, सच में मैं लकी आया हूँ। देखो तुम इस तरह शोर मचाकर मेरी बेइज्जती मत करो, चुपचाप चले जाओ, हम सुबह बात करेंगे। अरे यार, यार मेरी लाइफ डूबी जा रही है और तुम इज्जत की बात कर रही हो। अब क्या है? एक झूठ बोलकर मैंने अपना गड्ढा खुद खोद लिया है। मैं लकी हूँ ये प्रूफ करने के लिए कोई सबूत साथ नहीं दे रहा है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? वो सिक्योरिटी वाले को देखो, अपने आप को सत्य हरिश्चंद्र का पोता समझता है, और वो साधु, उसे वो कौन है उसे खुद नहीं पता, और वो मुझे कैसे पहचानेगा? वो आंखों का रंग चेंज करने वाला डॉक्टर बता सकता था, लेकिन वो जाके चंद्रलोक में बैठ गया है। और तुम्हारी दी हुई प्लेट में दिखाना चाहता था, तो वो प्लेट प्लेट जैसी दिखती नहीं है, तो मैं क्या करूं? गौरी तुम मेरी जान हो, गौरी मेरा यकीन करो। देखो मुझे किसी बात का सबूत नहीं चाहिए, मुझे जुजू पर पूरा यकीन है, उसके सामने मुझे कोई सबूत नहीं चाहिए। अगर तुम लकी होते तो जुजू चुप क्यों रहता? वो तुम्हें देखते ही रिएक्ट करता, भगाता तुम्हें और तुम्हें काटता। अगर उसने तुम्हें पहचान लिया होता तो मैं मान लेती कि तुम लकी हो। बचपन में किसी ने कहा था कि कुत्ते से मेरी जान को बहुत खतरा है। मैं सोचता था मुझे कुत्ता काटेगा तो रेबीज जैसी बीमारी होगी और मैं मर जाऊंगा, लेकिन इस तरह का खतरा। उस दिन तुमने मुझे लकी नहीं हूं ऐसे पहचाना, तो मैं खुद को खिलाड़ी और तुम्हें बेवकूफ समझता था। बेवकूफ तुम नहीं हो, मैं ही बेवकूफ हूँ। अगर मैं ही लकी हूँ ये तुमने पहचान लिया, तो गौरी मुझसे शादी कर लेगी, इसलिए तुमने जानबूझ के नहीं पहचाना ना? खिलाड़ी है तू, खिलाड़ी है किसी लव स्टोरी में या तो कोई बाप या कोई रिश्तेदार या भाई विलन बनता है, उसके साथ झगड़ा करके पैर पकड़ के मार खा के उस लड़की को वो पा भी सकता है। लेकिन मेरी तकदीर देख बॉस, मेरी लव स्टोरी में तू ही विलन है,
मैं तेरे सामने क्या कर सकता हूँ? तुझे एक बात पता है, हम लड़के अगर किसी लड़की से एक बार प्यार कर लेते ना तो बात खत्म, वही सब कुछ होती है। उसकी जगह अगर बाद में ऐश्वर्या राय भी आएगी ना, पसंद नहीं आएगी, वही हमारा माइनस पॉइंट है। गौरी के लिए फिक्स हो चुका मेरा ये दिल, गौरी चाहिए ऐसे बच्चे की तरह जिद कर बैठा है, तो बता मैं क्या करूं? गौरी ही मेरी दुनिया है, गौरी के लिए तू उसकी दुनिया है, वो तेरा यकीन करेगी। तू बस एक बार गौरी के सामने मैं ही लकी हूं ये पहचान ले, मुझे देखकर भौंक, पीछा कर, चाहिए तो काट ले, तभी तो गौरी मानेगी कि मैं ही लकी हूं। प्लीज। जॉब? Why? विकी ने रिजाइन कर दिया, पता है तुझे? कहाँ चला गया? विकी, कहाँ गया वो? ऐसे क्यों देख रही हो जानो? ओ, जो नहीं मिलने वाली चीज मिल जाए तो कुछ अजीब सी खुशी होती है, उस खुशी के मारे तुम बोल नहीं पा रही हो। मैं जानता हूं कि तुम मुझे बहुत चाहती हो, तुम मुझे कितना मिस करती हो ये तुम्हारी आंखों से पता चल रहा है। कितने दिनों तक अपने प्यार को दिल में छुपा कर मेरे साथ तुम खेलना चाहती हो? दिल खोल कर एक बार बोल दो ना कि मुझसे प्यार करती हो। कम ऑन, तुम्हारे अंदर के प्यार को बस एक बार ओपन कर दो। ये लकी कितना लकी है ये आज प्रूव कर दो। कम ऑन बेबे। I'm sorry, मैं तुमसे प्यार नहीं करती। What? तुम बादल की तरह हो, हवा जिस तरफ जाएगी तुम उसी डायरेक्शन में चले जाओगे। मैं तुम जैसे इंसान से कैसे प्यार कर सकती हूँ? तुम मेरे दिल में थे ये सच है, लेकिन अभी नहीं हो। तुम्हें सिर्फ 2400 घंटे मुझे परेशान करके प्यार करना ही आता है, पर उसे बचाना कैसे है ये नहीं पता। प्यार करने वाले इंसान को जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए, और इस मामले में विकी बिल्कुल सही है। उसने मुझे बहुत इम्प्रेस किया है। विकी? हाँ, मेरा कलीग विकी, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ लकी। बाय। तुम कितने खुश हो ना जुजू। मैं सोचती थी सिर्फ इंसान ही स्वार्थी होते हैं, लेकिन तुम भी स्वार्थी निकले। वो क्यों लकी बनकर आया था, वो क्यों विकी बनकर आया था, ये मुझे नहीं पता। वो जिस दिन विकी बनकर आया था उसी दिन से मुझे पता था कि वो मेरा लकी है। कितने भी रूप बदल कर आएगा फिर भी प्यार करने वाला दिल तो नहीं बदल सकता है ना। लकी मेरी जिंदगी में आएगा तो मैं तुमसे कम प्यार करूंगी ऐसा सोच रहे हो, पर ऐसा नहीं होगा। तुमने सिर्फ लकी का मेरे लिए प्यार देखा है जुजू, पर मैं उससे कितना प्यार करती हूँ ये तुम नहीं जानते। आओ देखो, देखो, देखो ये सब। देखो, मैं इतना प्यार करती हूँ उससे। ये देखो, ये उसने मुझे फर्स्ट टाइम दिया था। और ये देखो,
ये उसका दिया हुआ फर्स्ट ग्रीटिंग कार्ड, यू मेड फॉर ईच अदर। मुझे इसकी स्माइल पसंद है, स्टाइल पसंद है, हरकतें पसंद है, आंखें पसंद है, डांस करना पसंद है। सच कहूँ तो मुझे लकी बहुत 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 पसंद है। वो हर दिन मेरा पीछा कर करके मुझे रोज, ग्रीटिंग कार्ड, चॉकलेट, वो सब देता था और मैं उसके सामने ही उसे फेंक देती थी। लेकिन उसके जाने के बाद मैं उसे लाकर यहाँ रख देती। पर सिर्फ तुम उसे पसंद नहीं करते थे, इसीलिए मैंने उसके प्यार को एक्सेप्ट नहीं किया। पता है क्यों? क्योंकि मेरे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट तुम हो। मेरी जिंदगी के मुश्किल दौर में तुमने मेरा साथ दिया। जब कोई नहीं था तब तुम मेरे साथ थे। अगर तुम्हारी जगह मम्मी पापा होते और वो लकी को एक्सेप्ट नहीं करते तो मैं उनकी बात कभी नहीं सुनती। पर मेरी जिंदगी में तुम्हारी बहुत अहमियत है। मुझे प्यार करने के अलावा लकी को और कुछ नहीं आता जुजू। तुम्हारे अलावा मुझे इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करने वाला लकी है। मैं तुम्हें भी चाहती हूँ और उस लकी को भी। मैं क्या करूँ? लकी के बिना मैं जी नहीं सकती जुजू। अबे कमीने, जब भौंकने बोला था तब नहीं भौंका, अब भौंक रहा है। तेरी तो रुक, तेरी तो मेरा बात करने का मूड नहीं है। मुझे डिस्टर्ब मत करो प्लीज। मैंने कहा ना मुझे बात नहीं करनी, तुम्हें सुनाई नहीं देता। जुजू प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। मैंने कहा ना मैं लकी के बिना नहीं जी सकती। लकी मेरी जिंदगी। बोलिए आप लोग, मैं क्या करूं? मेरी गर्लफ्रेंड कुत्ते से प्यार करती है। हाय जुजू, तो अपनी आंखें बंद कर बच्चा।